इंस्टा पे कॉन्टेंट नहीं चलता इंस्टा पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे भर भर की इंफॉर्मेशन देंगे एंड दे विल ग्रो ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के बाद तुमको क्या लगता है बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहता है इज मेकिंग अराउंड ट्वेंटी सेवन करोड़ एवरी ईयर आयुष शुक्ला इफ यू नो आयुष शुक्ला ने फिनेट मीडिया करके एजेंसी बोली है एंड ही इज मेकिंग अराउंड ट्वेंटी करोड़ एवरी ईयर ना ये जो तीन चीज़ें थी इफ़ यू प्ले ऑन दिस थ्री थिंग्स यू कैन ग्रो ईजिली बाय वन मिलियन फॉलोअर्स विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स कोई भी आइडिया ना एकदम ओरिजिनल रहता ही नहीं हम कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते ही है। yes. और हर चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉपी डी है इवन हम बात कर रहे बात भी जो कर रहे हैं वो कॉपी डी है ना जो वर्ड्स भी हम बना रहे किसी से सुने हमने देखे तभी कर रहे है ये इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है स्टीलिंग के ऊपर या आ, इंस्पिरेशन के ऊपर इसका क्या ओपिनियन है आई लव स्टीलिंग और आई विल टेल यू हां नाउ लेट्स से यू आर अ बिगिनर यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट यू डोंट नो हाउ टू शूट यू डोंट नो हाउ टू एडिट कुछ भी नहीं पता आपको इन दैट केस मैं बोलूँगी भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ऐसा सोच जो किसी ने किया ही नहीं है तो यार आप उसको फिगर आउट करते 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 आपके 1 2 साल निकल जाएंगे ऐसे लेटर ऑन यू विल क्विट तो जीतू भाई वेलकम टू डीबीसी पॉडकास्ट हम कुछ टाइम पहले एक इवेंट पे मिले थे जो इंस्टाग्राम रिलेटेड जहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए थे एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट मैं जीतू भाई, भाई से मिला और बहुत मज़ा आया मुझे तो तभी हमने डिसाइड किया पॉडकास्ट भी करते बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंस्टागाम पर ग्रो करना है सो so अगर आपको भी इंटाग्राम पर ग्रो करना है तो आज का पॉडकास्ट तो बहुत फाड़ होने वाला है तो जीतू भाई यू आर इस्टाग्राम कोच ठीक है तो कोच एज अ कोच सबसे कॉमन क्वेश्चन तुमको क्या आता है आई विल टेल यू द टू मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट यार एंड द फर्स्ट वन इज कि डज हैश टैग मैटर्स ग्रो ऑन इंस्टाग्राम ओके एंड द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन इज के डज टाइमिंग मैटर्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम ओके सो ये दो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है यार मैं दोनों के दोनों के आंसर्स में बोलूँगा तो डज हैश टैग मैटर नो इट डजन मैटर हैश टैग यूज टू वक इन टू थाउजेंड एटीन पहले तो अगर मैं बताऊँ कि हैश टैग का जो बॉन्न था वो क्यों हुआ था उस पर पहले जाते सो हैश टैग वेयर इंट्रोड्यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एलगोर दम स्टार्टिंग में जब अगर मैं जब मार्क एंटर हुआ मार्क मार्क से पहले कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो छः लोगों के हाथ में था अच्छा जब बट जब मार्क ने एंट्री मारी जब मार्क ने स्टेक लिया मार्क चढ़ के इसको एल्गोरिथम बेस करेंगे ओके एंड एट दैट मोमेंट फिर उसके बाद धीरे धीरे एल्गोरिथम वाली चीज़ें अंदर आती गई एंड तब हैश को इनकॉपरेट किया एंड ए के लिए टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्टेंट ईजिली उसके लिए हैश बने थे प्लस इंस्टाग्राम पे ना उस टाइम पे एक्सप्लोर फीड पे इतना कंटेंट नहीं था मतलब था ही नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा कंटेंट देखे कहाँ पे hmm. तो कंटेंट को कहाँ पे देखे उनको जो चाहिए वो कहां पे देखना उसके लिए हैशटैग्स बने थे अगर मुझे देखना है पॉडकास्ट पॉडकास्ट रिलेटेड कॉन्टेंट मैं लिखूंगा हैश टैग पॉडकास्ट इसीलिए बने थे हैश टैग वी ट्वेंटी थ्री दर इज इनफ कॉन्टेंट एंड आपके एक्सप्लोर पेज पे जो आपको चाहिए वो आपको आते ही रहेगा इज नो नीड ऑफ खुद ही आपको देख के एग्जैक्टली पहुंचा प्लस अभी ए आई ऐसा बन चुका है कि ए आई इज डेवलपिंग ए आई सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं दर इज नो नीड टू चेंज ए आई खुद ही समझ जा रहा है खुद ही खुद खुद ही ही को इम्प्रूव कर रहे हैं सो इन दैट केस अगर आप कुछ चीजें इग्नोर करें रील्स पे ए आई वो भी डिटेक्ट कर लेता है एंड अकॉर्डिंगली दे वोंट शू यू द कॉन्टेंट सो इन दैट केस ब्रो इफ यू सी तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में काम ही नहीं काम ही नहीं आ रहे हैं okay. और आ, आपने अभी नोटिस किया होगा कि आप अभी हैश टैग से सर्च करके कॉन्टेंट नहीं देखते हो गए अगर मैं बात करूँ कि हैश टैग यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए डू यू यूज़ हैश टैग आप सर्च करके देखते हो बहुत इन वेरी वेरी रेयर केसेस सो इन दैट केस आर हैशै डजेंट मैटर एंड सेकंड क्वेश्चन टाइमिंग टाइमिंग डज मैटर बट अगर मैं बोलूँ कि यार इफ यू आर पोस्टिंग यू नो कि जब सब लोग सो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यू वॉन्ट गेट रीच ठीक है बट इट्स नॉट लाइक इस टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब मैं येस और नो बोल देता हूँ तो पीपल फील्स लाइक कि येस और नो एक ही आंसर है बट इन वन ऑफ ये पॉडकास्ट यू सैड यू नो कि लाइफ इज एंड ब्लैक एंड वाइट इंस्टाग्राम इज इन ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है ये ग्रे एरिया भी होता है यहाँ पे सो hmm. so, यहाँ पे इफ योर कॉन्टेंट अलाइंस विद यंस तो उस टाइम पे टाइमिंग मैटर करेगा पहले तो टाइमिंग मैटर की तो टेक्निकल टर्म देखते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग इज होता है हमें ए को ट्रेन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ए आई इज एक्सपेक्टिंग कि इसका कॉन्टेंट जो है वो कब आ रहा है एवरी डे ए आई नोटिस भी करता है सो ए आई इज वेरी वेरी रेडी अगर आपका हर रोज कॉन्टेंट जो फाइव फोर्टी फाइव और सिक्स पी एम को आ रहा है hmm. तो ए आई इज रेडी एट दैट टाइम ओके आपकी ऑडियंस जो रहती है वो भी एक्टिव रहती है उनको भी पता होता है कि यार शाम को रिल आता है शान का तो मैं hmm. शाम शाम को लोग स्क्रोल करते हैं आपकी फीड में सो hmm. so, इस केस में टाइमिंग मैटर करती है बट वॉट इफ आपका कॉन्टेंट ही बेकार है एंड यू आर पोस्टिंग एट द बेस्ट टाइम उस केस में मैटर नहीं करेगा सो फर्स्ट माई रिकमेंडेशन वुड भी कि आप अपना कॉन्टेंट इंप्रूव करो एंड देन स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा एंड अकॉर्डिंगली अच्छा टाइमिंग चूज करके स्टिक टू दैट टाइमिंग फॉर अपकमिंग वन और टू ईयर और आई थिंक मैंने भी चीज़ नोटिस करी है जब मैं भी सीखे ने बना मैंने पकड़ लिया मैंने बना लिया कि मुझे संडे को डालना है और एकदम तो कॉमन सेंस यूज़ किया कि देखो संडे को सबकी छुट्टी रहती है तो ज़्यादातर लोग देखते होंगे और मैंने संडे को एक एक रिदम बना लिया कि संडे टू तो संडे ही आएगा और फिर मैंने नोटिस किया कि, कि संडे लोगो बैठ गया वो बन गया वो अल्वारिजम को भी फीड हो गया कि हाँ इतने टाइम पर आ गया वीडियो तो इतने लोगों को भेजना है वहीं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कभी कभी देख सकते हैं चल सकता है बट मोस्टली मेरा संडे बन गया तो वैसे ही अगर आप भी मेरे हिसाब से ऐसी है कि आप एक्सपेरिमेंट करके अगर एक डाइट डेट और टाइम पकड़ लो कि ये टाइम पे जाएगी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है आप ज़्यादा बता सकते हो आपका कब ज़्यादा चल रहा है और ये रिलेटेड एक और चीज़ है मैं बेस्ट ट्रैटेजी क्या है इंस्टाग्राम पर ग्रो करने की बेस्ट ट्रेटजी तुम्हारे हिसाब से क्या जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी जब मनीष भाई या बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि आपको डेली एक वीडियो जाना चाहिए और एक टाइम पे जाना चाहिए और वो आप साल भर करते हो दो साल भर करते रहो तीन साल करते रहो कभी ना कभी हिट हो जाएगा तो डू यू एग्री विद दिस स्ट्रैटेजी या फिर और भी कुछ है इसके पीछे तो so, यहाँ पे मैं टर्म्स लगाता उसके बाद मैं एग्री करूँगा ओके सो इफ़ यू आर अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड यू टू पोस्ट फॉर द अपकमिंग थर्टी टू फोटी फाइव डेज फॉर एवरी डे लाइक हर रोज़ पोस्ट करो आई द रीज़न द थिंग इज़ की जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम जब कॉन्टेंट पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे ठीक है टू लास्ट ट्वेंटी उस टाइम पर क्या हुआ था कि आई वॉज अवेयर मेरे पेज पर क्या काम करता है आई वॉज नॉट अवेयर मुझे क्या अच्छा लगता है एंड आई वॉज नॉट इवन अवेयर मुझे क्या 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 बनाने आता है सो so, उस टाइम पर आई यू टू डू लिपसिंग एंड ऑल मतलब लिपसिंग कॉन्टेंट बनाता था डांस कॉन्टेंटेंटेंटेंटेंट बनाता था ठीक है एंड एडुकेशन कॉन्टेंट बनाता ही नहीं था वेल एस आज आई नो कि आई लव द एडुकेशनल कॉन्टेंट द मोस्ट लाइक मेरे को बोलने में बहुत मजा आता है मेरे से लिपसिंग नहीं होती ये मुझे आफ्टर पोस्टिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टेंट ये बाद में मालूम पड़ा सो so, अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल टेक्निकलिटीज छोड़ दूँ एंड यहाँ पे हम कंफर्ट की तरफ जाए बिकॉज एट द एंड यू आर द क्रिएटर एंड आपको क्या अच्छा लगता है जब आप ये मल्टीपल टाइम्स एवरी डे पोस्ट करोगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है सेकेंड चीज़ आपको यार इफ़ यू आर अ बिगिनर ठीक है, है आपके पेज पर जीरो पोस्ट है दस पोस्ट है बीस पोस्ट है आई वॉन्ट यू टू पोस्ट फॉर फोर्टी डेज एवरी डे बिकॉज आई वॉन्ट डेटा आपके पेज पर क्या काम करता है आपकी ऑडियंस कौन है उनका यूजुअल बिहेवियर क्या है अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो तो लोग देख रहे कि नहीं आप शॉर्ट फॉर्म डाल रहे हो तो देख रहे कि नहीं आप जब आप ट्रेंड्स यूज़ कर रहे हो तो आपका ऑडियंस देख रही है कि नहीं ये सब चीज़ें जो फिगर आउट करनी होती है तो इसमें आप अगर तीन चार महीने ले लोगे तो तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी यार मतलब आप कहाँ ग्रो करने वाले हो सो इफ़ यू आर लेट से पोस्टिंग टू रील्स एवरी वीक एंड एल्स दूसरा कॉन्टेंट क्रिएटर जो बिगिनर है वो चार रील डाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो तीन महीने में जितना डेटा लेगा आपके पास उससे हाफ डेटा है सो फॉर दैट डेटा आई वुड रिकमेंड यू टू पोस्ट एवरी डे बट यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज कर देते हैं नाउ यूर अटर हू नोज वॉट वर्क फॉर ए प्रोफाइल आपका एक फॉर्मैट बन चुका है hmm. आपकी कोई सीरीज हो सकती है hmm. आपका कोई पैटर्न हो सकता है यू नो ऑल दिस थिंग्स इन दैट केस आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक ऐसी फ्रीकवेंसी बना लो दैट यू कैन सस्टेन फॉर द अपकमिंग सिक्स टू सेवन मंथ्स फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस विद शरण आई वुड नेवर एवर रिकमेंड हिम टू पोस्ट एवरी डे दैट गाई इज़ ए करिएटर जो कि अपने एक्टिंग पे काम कर रहा है हु इज़ स्पेंडिंग मिल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन प्रोडक्शन में okay. और वो चार पीसेज ऑफ कंटेंट बहुत अच्छे से बना रहा है इन एवरी वीक उसको मैं बोलूँगा सिक्स सेवन पीसेज ऑफ डाल तो शायद हैक्टिक हो जाए उसका कंटेंट थोड़ा सा हिल जाएगा बट ही नोस कि उसके पेज पे कैरेक्टर character, कैरेक्टर्स काम करते हैं ही नोस उसके पेज पर ह्यूमर काम करते हैं सो इन दैट केस फोर इज़ द बेस्ट फॉर इम और यहाँ पर ना एक एक चीज़ बताता हूँ राजानी ही पोस्ट एवरी वन पीस ऑफ कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम अंकुर पोस्ट अराउंड थ्री पीसेज ऑफ कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम शरन पोस्ट अराउंड फोर पीज़ ऑफ कॉन्टेंट एवरी वीक ऑन इंस्टाग्राम बट स्टिल ऑल थ्री आर ग्रोइंग बट अगे देव फिगर आउट कि उनके पेज पर काम क्या 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 करता है आफ्टर दैट बट इफ यर इफ आर बिगिनर आई विकेकमेंड टू पोस्ट एवरी डे फॉर द एट लीस्ट थर्टी टू फॉर्टी फाइव डे मेरे पेज के लिए क्या सजेस्ट करोगे इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए यार yeah. तो अगर तुमने देखा है थोड़ा बहुत तो सो so, अगर आपका आप, अगर मैं कॉन्टेंट को छोड़ूंगा ना आफ आई टेल यू की यार आपके पेज पर फ्रिक्वेंसी टाइमिंग यह सब आपने ऑलरेडी डेटा के थ्रू फिगर आउट कर लिया है ठीक है नाउ यू शुड फोकस कि आपको एक प्रॉपर कैटेगरी पकड़नी है उस कैटेगरी को डोमिनेट करना है ओके ठीक है अब शरण इज द फाइनेंस कैटेगरी आई वॉन्ट टू डोमिनेट द इंस्टाग्राम कैटेगरी के इंडिया में कोई भी नाम ले इंस्टाग्राम तो आई वॉन्ट की जीतू का नाम है मार्क्स से पहले राइट नाउ यू हैव टू फिगर आउट आपने पर डोमिनेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ बुक्स इंस्टा पे अलग हो सकता है इफ यू वॉन्ट द सेम आप सेम कर सकते हो सेम जैसे इंस्टा पे भी अगर आप कर रहे हो कि यार मैं कोई एक कैटेगरी पकड़ ले तो उसमें डोमिनेट करूंगा वो कैटेगरी पकड़ के डोमिनेट करना शुरू कर दो क्योंकि राइट नाउ आई फील आप काफी सारे नीचे में जा रहे हो समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल ट्विटर परस से थ्रेड्स ये एक पीस ऑफ कॉन्टेंट हो गया ठीक mm -hmm. है मनी मेकिंग एक पीस ऑफ कॉन्टेंट हो गया सेल्फ इंप्रूवमेंट अदर अन अदर नेश ये सब अलग अलग एक इंडस्ट्री है ना इमेजिन यू आर चूजिंग वन इंडस्ट्री लेट्स अगर मैं चूज uh, करता हूँ कॉन्टेंट क्रिएशन यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर ओनली कॉन्टेंट क्रिएटर्स इमेजिन कॉन्टेंट क्रिएटर्स के बीच में आपकी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाए ऑलरेडी काफ़ी है राइट बट जस्ट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग स्पेसिफिक कॉन्टेंट इन दट पर्टिकुलर नेश सोच आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी सो दैट्स अबाउट द कॉन्टेंट वो ये ब्रांडिंग में बोलते ना कि ब्रांडिंग इज अ गेम ऑफ परसेप्शन और आपके जो पहला वर्ड आता है एक ट्वेंटी टू तो इमिटेबल लॉज ऑफ़ मार्केटिंग करके बुक है काफ़ी अच्छी बुक है उसमें ये बताया कि आपको ना कोई एक वर्ड को टारगेट करना है और उससे अपने आप को अटैच करना है जैसे सीकिन है वो बुक्स के लिए अटैच है तो मैं भी ऋशान शेख में मैं भी वही एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक्चुअली मैं ना ऋशान शेख का मैंने मेरा विजन ही ये था कि मैं एक्सप्लोर करूँगा मैं ना सिर्फ मतलब बुक्स है आई लाइक बुक्स आई लव बुक्स बस उसके साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लोर भी करता हूँ इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर भी रहा हूँ और उसमें से मैं फिगर आउट करने की अभी वही फिगरिंग आउट चल रहा है कि अभी उसमें और किस चीज़ में मैं बहुत मज़ा आता है और मुझे ज़्यादा वो नहीं होगा बोर नहीं होगा करने बिकॉज मेरे को लगता है कोई भी चीज़ में घुसो और करना है तो लॉन्ग टर्म में ही सक्सेस मिलती है आप उसको साल भर दो साल करोगे ना तब जाके आपको ट्रेमेंडियस सक्सेस मिलती है तो कोई भी वो काम करो अगर पकड़ो जिसमें तुमको थोड़ा अच्छा लगता है तो वो बेटर होगा कंपेयर टू हो, तुमने लिपसिंग लिपसिंग का बोला ना कि बोर हो जाएगा मज़ा ही नहीं आएगा तो आई थिंक वो मज़ा रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो हसल में थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए एक्जैटली exactly. तो वेरी नाइस सजेशन मैं पक्का इसके ऊपर काम करूँगा और नीच डाउन करना ये मेरा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि <laughs> क्या ये भी करना है ये भी करना कई बार बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक्चुअली ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी हो सकता है कि लोगों को ना नीच कई बार समझ में नहीं आता लोगों का ठीक है तो ये क्वेश्चन आता है तुमको भी ये क्वेश्चन बहुत काफी कॉमन कौन, कौन सा टॉपिक मैं पकड़ू? मतलब like, में में मैं मतलब किस में में मेरे मेरे को मेरे को क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि ब्रो अकॉर्डिंग टू यू वट डू यू थिंक इज द बेस्ट नश या फिर अकॉर्डिंग टू यू अगर मेरे को पैसे कमाना है तो वॉट डू यू थिं इज द बेस्ट नेश या क्वेश्चन ऐसा पूछते अगर मेरे को सबसे सबसे फटाफट वायरल होना है सो तो उसके लिए सबसे बेस्ट नश कौन सा है आई एम लाइक योर नेश इज द बेस्ट नश सो वेन वॉज एंटरिंग इंट टू द इंस्टाग्राम मार्केटिंग लाइक मैं मैंने सोच लिया था कि मैं तो इंस्टाग्राम कोच बनूंगा बिकॉज आई डिडन्ट न्यू एनी थिंग मैंने फेसबुक एट्स ट्राई कर लिया गूगल एट्स ट्राई कर लिया लोगो डिजाइनिंग कैनवा डिजाइनिंग वर्ड प्लस डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट कोडिंग एच टी एम एल सी एस एस एवरी थिंग आई ट्राइड एंड आई वॉज लाइक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट वन थिंग वॉज फॉर श्योर कि ये मेरे को इंस्ाग्राम पर कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत मजा आ रहा है अब मैंने तो परसेप्शन बना लिया कि भाई मैं तो इंस्टाग्राम कोच बनूंगा ना इमेजिन योर सिचुएशन आपके घर में किसी को भी नहीं पता कोई इंस्टाग्राम को होता क्या है? Hmm. घर में छोड़ आपके कॉलेज में भी नहीं पता hmm. ठीक है आर यू यू टू बी कोच जॉब कॉलेज छोड़ रहे हो hmm. उस मार्केट में कोई भी नहीं है hmm. ठीक है अगर उस मार्केट में कोई नहीं है एक छोटे मोटे एक दो प्लेयर है ठीक है जब जब मैं आ रहा था तब तो सिर्फ सौरभ जैनता है गैस hmm. एक दो प्लेयर है अभी अगर उस नीच में भी मैं यहाँ पे आके जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया नवा एम थ्री हंड्रेड के ठीक है और मैं के पॉडकास्ट पे भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आई ब्रांडिंग सो इमेजिन आपका नीच कोई भी कुछ भी नीश हो बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको अपने नीच में काफ़ी अच्छी नॉलेज है एक्सपर्टीज़ है या फिर इफ़ यू थिंक यार आप ऐसे बंदे हो जो कि अपने इंग्लिश में ग्रो भी कर रहे हो तो आपकी स्टोरी टेलिंग कितनी पावरफुल है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर नेश बट इफ़ यू आर लर्निंग योर नेश तो आपकी जर्नी कितनी कितनी आप जर्नी के साथ डिपेक्ट कर रहे हो दैट ऑल्सो मैटर्स सो आई फील एवरी नीश इज़ द बेस्ट नीश एंड द थिंग दैट यू सेड यू नो कि यू आर एक्सप्लोरिंग तो यार यहाँ पर मैं दो कॉन्टेंट क्रिएटर के नाम लेता हूँ सो so आप उसमें रणवीर में आते हो Hmm. रणवीर का कॉन्टेंट जब वो स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट किया था ही स्टार्टेड विथ फिटनेस ठीक है देन ही स्विच टू फिटनेस फैशन देन लेटर उसने बहुत सारे निशेज़ ट्राई किए एंड एक टाइम ऐसा है जब ही वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरी थिंग पीपल वेर लाइक आपको कुछ भी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है रणवीर का पॉल लाइक रणवीर का कॉन्टेंट देख लो दे देवर नो उसको से मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरा बंदा लेते हैं अंकुर hmm. अंकुर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू आर लाइक मेरा कंटेंट ऐसा है कि अगर आप 18 से जब आओगे यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलेटेबल नाइनटीन के एज में आज आप आपको लगेगा यार कुछ नया कॉन्टेंट सिखा रहा है अंकुर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बाद यू विल फील ये रिपीटेटिव है यार बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है मैं क्या देख रहा हूँ ये बकवास लग रहा है अब अंकुर बोलता है कि मुझे वही करना है अंकुर बोलता है कि जो बच्चा एटीन से ट्वेंटी थ्री के बीच में है मेरा कॉन्टेंट सिर्फ फोन के लिए वंस यू टर्न ट्वेंटी थ्री आप निकल जाओ वहाँ से जो दूसरे एटीन वाले जो बैच है ना मैं उनको संभालूंगा ओके okay. अंकुर बोला कि मेरा नहीं स्पेसिफिक है मैं उसमें हूँ वेर एस रणवीर रणवीर जैसे जैसे ग्रो हो रहा था उसने जैसे जैसे अपने आप को एक्सप्लोर करते गया वो कंटेंट को भी अपनी जर, उसकी जर्नी जो थी वो उसके कंटेंट में दिखती है कि स्टार्टिंग में जब वो फिटनेस एक्सप्लोर कर रहा था तो फिटनेस दिख रहा था वहाँ पे स्टार्टिंग में जब उसने फैशन एक्सप्लोर करा था तो वहाँ पर फैशन दिखा उसके कॉन्टेंट में वो एक्स एक्सप्लोरिंग लाइक यू पर्सनल ब्रांडिंग तुम्हारे सबसे कितना इंपॉर्टेंट रणवीर भाई का पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग था सिर्फ तनमे बट भी है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया लगता है आपका एक बार पर्सनल ब्रांड बन जाता तो कई बार आपने नगल अलग, अलग, अलग नीशेस में भी घुसते और करते तो भी फाड़ लेते हो काइंड ऑफ मतलब सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमारा इलॉन मस भाई है उन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया पेपल किया उससे पहले भी अलग अलग चीज़ें की उन्होंने टेस्ला भी है स्पेसक्स भी है अभी ट्विटर भी है ट्विटर और थ्रेड की भी बात करते हैं अच्छा अच्छा इससे ही बात कर लेते हैं ट्विटर और थ्रेड का तुम क्या चल रहा है कैसा अभी सीन कैसा चल रहा है तुमको क्या पसंद है ट्विटर या थ्रेड सो so, यार ट्विटर uh, मैंने कभी यूज नहीं किया बट आई आई लाइक मार्ग रोजी रोटी वहीं से चलती है थ्रेड्स <laughs> मतलब so, अगर सोचो यहाँ पे मैं थ्रेड बोलता हूँ सो ट्विटर बोलता हूँ मार्क मेरा धंधा बंद कर देगा <laughs> <laughs> अच्छा जस्ट जस्टिंग राइट नाउ आई फील क्योंकि मैं डिसीजन बनाऊँ कि ट्विटर अच्छा है कि थ्रेड अच्छा है सो so, यार सब लोग थ्रेड अच्छा अच्छा बोल रहे हैं बट आई स्टिल फील थ्रेड इज एट वेरी बिगिनिंग स्टेज मैं न्यूमरस डेटा बोल सकता है जो कि पास थ्रेड्स के पास है ही नहीं इनसाइट्स का ऑप्शन थ्रेड्स में नहीं है सेफ फ़ीचर थ्रेड्स में नहीं है सर्च इंजन थ्रेड्स में नहीं है आपको सिर्फ अकाउंट्स मिलेंगे हैश फीचर थ्रेड्स में नहीं है ट्रेंडिंग टॉपिक्स थ्रेड्स में नहीं है एक्सप्लोर पेज जो है वो काफ़ी रैंडम है फिलहाल डेटा नहीं बना उसका अच्छे से एकदम अगर इतनी सारी चीज़ें थ्रेड्स में नहीं है सो तो यार मैं कौन से डेटा के हिसाब से बताऊँ क्या ट्विटर तो अच्छे के थ्रेड्स अच्छे हैं राइट right? हाँ एक अच्छा है कि मार्क भाई के पास ऑडियंस बहुत है और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है तो अभी लोग सब लोग थ्रेड्स के सुन रहे क्योंकि उसके पास जनता है ट्विटर के पास ऑडियंस कम है वही वही पोटेंशियल वही जो वो ग्रोथ था ना अभी ट्विटर का जैसे 500 मिलियन के आसपास भी अभी पहुंचा नहीं है पहुंच रहा है 500 मिलियन और वहीं पे इंस्टाग्राम के पास टू पॉइंट समथिंग बिलियन यूजर्स है तो अगर वो इधर से माक भाई अपने थोड़ा थोड़ा इधर से प्रमोट करते रहेंगे तो उनका ऐसा वन बिलियन तो ऐसे ही हो सकता है मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो उस हिसाब से मुझे लगता है थ्रेड्स में पोटेंशियल बहुत है अभी तो आई थिंक वो बिगनिंग स्टेज में हुए उन्होंने एक एम वी बना के डाल दिया है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अपने लीन स्टार्टअप बुक में बताया गया कि आप प्रोडक्ट बनाओ और उसको डाल दो और फिर लोगों की फीडबैक लाओ उस हिसाब से करो एंड आई थिंक मार्क मार्क इसमें काफ़ी अच्छे है ऐसे वो ही ऑलवेज लर्नस कि मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है नहीं, उसमें, तो ही उसमें ऐसे डाल जाता है तो वही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का यही रहता है कि आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ला दो एक जैसे थ्रेड ला दिया एकदम मिनिमम फीचर्स के साथ और फिर देखो लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या फीडबैक दे रहे और फिर वो चीज़ें इंप्रूव करके उसमें डालते रहो उससे एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा आप आपने जो भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट हाँ इसको मैं इसके साथ अलाइन कर दूँ अगर हाँ जस्ट इमेजिन इलॉन मस्क एक बंदा है

बस ब्रांड डेफिनेटली मैटर्स फिर फिर आप कॉपी करोगे फिर भी आपको आपको फर्क नहीं पड़ेगा राइट अपने यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देना है और मुझे एक, एक बुक पढ़ा था स्टील लाइक एन आर्टिस्ट करके एक बुक है बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से कोई भी आइडिया ना एकदम ओरिजिनल रहता ही नहीं है हम कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते ही है और हर चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉपीड डी है इवन हम बात कर रहे बात भी जो कर रहे हैं वो कॉपीड डी है ना जो वर्ड्स भी हम बना रहे किसी से सुने हमने देखे तभी कर रहे हैं और आई थिंक मैक्सिमम चीज़ है ना मेरे को ये कॉपी वाला कॉन्सेप्ट इतना कुछ समझ में आता कई बार लोग ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कॉपी क्या कॉपी सब चीज़ें हम किसी से इंस्पायर हो किसी से सीख रहे हैं एक गाना पसंद आया तो शायद मे बी आपको लग रहा है वो न्यू है बट कहीं ना कहीं उसकी म्यूज़िक कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है बस आपको मालूम पहुंच नहीं पाया अभी तक yeah. इसलिए पहले ज़माने में मतलब पहले ज़माने में दस बस साल पहले मुझे लगता है कंटेंट बहुत सारा हम देख लेते थे बट आज आग वही जाके कंटेंट देखोगे तो आप इंटरनेट क्योंकि आ गया इतना इंफॉर्मेशन तो हम पकड़ लेते हाँ ये तो इससे कॉपीड था ये वाली मूवी इससे कॉपीड थी ये वाला इससे था तो वही आई थिंक आइडियाज़ और इस ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे लगता है ना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेसिफिकली हमें ना ये चीज़ को ना नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स को हमें तो इंस्पायर होना ही चाहिए हमें सीखते ही रहना चाहिए पिछले छः सात साल में मैंने ये चीज़ देखा जितना आप इंस्पायर होगे जितना आप दूसरों से सीखोगे उतना आप आपने आपको इंप्रूव कर पाओगे एंड आई थिंक मार्क जी भी यही चीज़ समझते हैं yes. कि अपना खुद का दिमाग लाने से अच्छा जो मार्केट में इवन स्टीव जॉब्स भी वो भी है ना एप्पल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा नहीं था खुद से लेके आए थे कई सारी चीजें उन्होंने देखा बाहर क्या अच्छी है यू जो उनका था वो यू आई उन्होंने डेवलप किया था वो किसी और जीरोक्स ने किया था उनका उन्होंने यू आई लेके आके उसमें डाल दिया आईफोन में डाल दिया जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो लेकर उन्होंने आईफोन क्रिएट किया और आईफोन आज हिस्ट्री बना रहा है सो आई थिंक ये इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है स्टीलिंग के ऊपर या आ, इंस्पिरेशन के ऊपर इसका क्या ओपिनियन है तुम्हारा आई लव स्टीलिंग और आई विल टेल यू सो जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम कॉन्टेंट शुरू किया था ठीक है अब ना नाउलेट सर यू आर बिगिनर यू डोट नो हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट यू डोट हाउ टू शूट यू नो हाउ टू एडिट कुछ भी नहीं पता आपको इन दैट केस मैं बोलूँगी भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ऐसा सोच जो किसी ने किया ही नहीं है तो यार आप उसको फिगर आउट करते 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 आपके एक दो साल निकल जाएंगे ऐसे लेटर ऑन यू विल क्विट बट वट आई टेल यू कि ब्रो राज का कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफ़ी अच्छा है पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा है एक काम कर उसका पॉडकास्ट देखना शुरू कर दे ठीक है आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ऑडियंस कैसी है कौन से पॉडकास्ट पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं देख एक बार समझ लो कैसे बातें कर रहे हैं नाउ उसे इंस्पायर होके थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से अपने बिजनेस ने इस्वा बनाना शुरू कर दें वो बंदा आने वाले तीन महीने में ज़्यादा सीखेगा right. उसको समझ में आएगा एटलीस्ट right. आज बहुत सारे लोग कैरेक्टर्स कैरेक्टर रील्स बना रहे हैं शरण ने शुरुआत की थी अपने फाइनेंस ने में एवरी इज़ मेकिंग बट ऐसा तो नहीं, नहीं है कि उनके पास ऑडियंस नहीं है एवरी हैज़ दर ओन ऑडियंस ठीक है मैंने खुद ने भी कैरेक्टर्स किए थे hmm. अब यहाँ पे कॉपिंग का लोग ना इसको क्रिटिसाइज़ करते वो क्रिटिसाइज़ करते जो मेच्योर हैं ठीक है वो क्रिटिसाइज़ करते जो कि ना कॉपी करें ना सोचे ना कुछ बना रहे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इफ़ इफ द पर्सन इज़ ऑलरेडी बिल्डिंग समथिंग ना उसको पता ये चीज़ होने वाली है सो तो लव स्टेलिंग अच्छा अभी तक की जितनी भी जर्नी है तुमने Instagram पे कितने साल से तुम्हारा इंस्टाग्राम का चल रहा है सो so, यार अगर मैं इसको डिवाइड करूँ मैंने पर्सनल ब्रांड मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था एंड hmm. मैंने इंस्टाग्राम की जर्नी मेरे चार साल पहले शुरू हुई थी जब मैं फिफ्टीन का था तो अभी जितनी भी तुम्हारी जर्नी है उसमें सबसे बेस्ट अचीवमेंट्स तुम्हारा क्या है सबसे हाईलाइट लास्ट ईयर ही मैं कहूँगा वन आई मेट राज ठीक है राइट नाउ वी आर डूइंग अ बिजनेस टुगेदर एंड दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइक अभी तक की मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो

तो देखा मैं बोला वेरीफाइड तब उस तब तो मेटा मेटावरिकेशन तक नहीं था अब वेरी वेरीफाइड इससे मैसेज आना उस टाइम भी बड़ी बात थी बोला ये वेरीफाइड बंदा कौन है देखा मैं इसको फॉलो करता हूँ देखा राज है ये मैं रात को एक बजे मेरे फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ ब्रो ये राज का टेक्स्ट है तो बोलता है ज़्यादा चढ़ गई है चुपचाप फोन रख दे <laughs> तो बाद में देन आई सॉ सो के नहीं यार ये प्रॉपर राज का टेक्स्ट है उसने लिखा था गुड कंटेंट ब्रो सो अभी गुड कंटेंट ब्रो का आई रिप्लाई डेम कि थैंक यू सो मच ओके इट्स यू ये एंड उसके बाद से हमारा कॉन्वर्स स्टार्ट हुआ था वहाँ पर सो so हमने एक दो बार इंस्टा पे बात की थी मैंने उसके स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया था उस टाइम फिर बाद में व्हाट्सएप मांगा कि लेट्स कनेक्ट ऑन वाट्सएप तो व्हाट्सएप तो पे कनेक्ट हुए देन वी आल्सो हैड एन ऑनलाइन मीट तो ऑनलाइन मीट में भी वर डिस्कसिंग कि यू नो हाउ लाइक हाउ डू अय वर्क मेरी स्टोरी मैंने अपनी स्टोरी बताई राज को कि मैं ये फैमिली से बिलोंग करता हूँ यू नो मैं मेरा ड्रॉप लिया है अभी मैं अभी एक महीने पहले रो रहा था बिकॉज मेरा कॉन्टेंट ग्रो नहीं कर रहा था बता दो तुम्हारी स्टोरी बता दो थोड़ा सा बता दो ओके सो अगर इसको स्टार्ट करते हैं कि मैंने ना ड्रॉप ले लिया अभी फाइनली मैंने घर पे बोल दिया कि मेरे को पढ़ना पढ़ना कुछ भी नहीं है क्यों मैं, लिया लेकिन ना बी एम एम लिया था बी एम में कैसा था कि मेरे को वो लोग सिखा रहे हैं कि पंडित इज द जाति जो कि सबसे टॉप पे आती है देन देर इज अनदर जाति द देन इज आई मीन लाइक मैं बोल रहा हूँ कॉलेज में आया हूँ बी मैंने इसलिए लिया था कि मैं मास मीडिया के बारे में पढ़ू मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ू Hmm. आप मुझे सिखा रहे हो कि पंडित सबसे सब टॉप कैटेगरी पे hmm. मेरा गोल तो अलग था एकदम देन आई स्टार्टेड फीलिंग यार कॉलेज में ना कोई भी सीखने आता ही नहीं था आई वॉज आई वॉज अ पर्सन मैं ऐसा पर्सन हूँ जो आई फील अगर मैं कुछ भी पैसे दे के जा रहा हूँ वहाँ पे सीखने के लिए आई वॉन्ट टू लर्न मेरे को सीखना है वहाँ से कॉलेज में मैंने पैसे भी दे दिए मैं देख लो मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे ये लोग और सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ एक जेनुअन प्रॉब्लम थी मेरी कि पैसे ख़त्म हो रहे थे मेरे घर पर ट्रैवलिंग के एक्सपेंस के अंदर तो मेरा कॉलेज था जो मेरा कॉलेज जितना दूर था तो वहाँ से ट्रैवल करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे उस टाइम पे hmm. तो एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे मम्मी के पर्स में से पैसे खत्म होते जा रहे हैं और मैं कमा नहीं रहा था तब सो देन आई रियलाइज किया घर पे सिर्फ और सिर्फ मैं कॉलेज जा रहा हूँ इसलिए प्रेशर बढ़ते जा रहा है hmm. तो आई शुड क्विट इट एंड आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस ओके तो मैं तीन साल से इंस्टाग्राम ऑलरेडी कर रहा था आई hmm. लाइक like, खुद का पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करते हैं मैंने ऑलरेडी कर दिया था काफ़ी टाइम से बट मैंने सोचा इसको और कंसिस्टेंटली अच्छे से करते हैं सो मैंने क्विट किया वहाँ पे एंड थैंकफुल मॉम वाज इन सपोर्ट विथ मी उनकी भी मजबूरी थी ईशी न्यूज की ऐसी न्यू की यार उनके पास पैसे है नहीं लाइक like, uh, ना फीस कर फीस पे करने के लिए है ना ट्रैवलिंग के लिए है हुँ. तो शी वॉज लाइक देख अगर तेरे को पढ़ना है सच में तो तू पढ़ सकता है मैं कुछ भी करके पैसे पैसे कर लूँगी बट अगर तेरे को लगता है कि तू अपना घर से रिस्पॉसिबिलिटी ले लेगा एक, एक दो साल एक दो साल बाद ही तो छोड़ दे तो मैंने छोड़ दिया था एंड माई मॉम वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव इन दैट इन दैट टाइम उन्होंने मेरे को ऐसा भी एक टाइम भी फील नहीं कराया कि तूने ड्रॉप लिया है तू क्या कर रहा है ये एक भी बार फील नहीं कराया जो करे like, अच्छे से करना बट ये सोच के करना कि तेरे पीछे फैमिली है इतना डर वो डर दिया था हुँ. ताकि एक प्रेशर रहे मेरे पे कि तेरे पीछे फैमिली है हुँ. जो जो कि डर बहुत काम आया हुँ. फिर मैंने ड्रॉप लिया अब जब ड्रॉप लिया तब मेरे फॉलोअर्स थे ग्यारह हज़ार जैसे ड्रॉप लिया इन द अपकमिंग डेज मेरे फॉलोअर्स गिर गए आठ हज़ार पे okay. अब ना मेरी फटी जा रही है मैं बोल रहा हूँ यार ये ये, ये हो क्या रहा है मतलब hmm. मैंने ड्रॉप लिया ताकि मैं अपने फॉलोअर्स ग्रो कर सकूँ मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूँ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ दर वॉज अ मोमेंट आई वॉज लिटरली क्राइंग इन माई रूम मेरा किचन में ही ऑफिस था hmm. मैं किचन पर टेबल पर बैठ के मैं लिटरली अकेले में रो रहा हूँ जस्ट बिकॉज की आई एम फीलिंग प्रेशराइज कि सला मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया मेरी मेरी एक जॉब भी थी मैंने वो भी छोड़ दी मैंने मम्मी को भी बोल दिया कि मैं कमा लूँगा आराम से और मैं देख रहा हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम बेस विच इज एवरीथिंग फॉर मी मेरे पास कुछ भी नहीं था और करने के लिए दैट दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज एवरीथिंग फॉर मी और वही डीग्रो होते जा रहे हैं बहुत डिप्रेसिंग बहुत डिप्रेसिंग फेज था बट देन ड्रॉप आउट लेने के बाद उसके बाद यू uh, नो you know, मैं बस कॉन्टेंट बनाते गया बनाते गया बनाते गया बनाते गया एंड देन लेटर ऑन आई स्टार्टड फिगरिंग आउट कि वट वर्क फॉर मी वट डज वर्क फॉर मी यू नो हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम मैंने कोर्सेज भी लिए हुए थे मुझे hmm. इंप्लीमेंट करते गया एंड लेटर ऑन बाई दिक्लेस ऑफ गॉड ब्रांड अच्छा बन चुका है बिजनेस भी अच्छा चल रहा है शिफ्ट uh, भी अच्छी जगह पे हो चुके हम लोग गोइंग गुड अगर हाँ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या क्या बना लिया अभी तक तुमने हाँ तो एक तो है कोर्स बिजनेस जहाँ से मेरा और आज का कोर्स है एंड वहाँ से रेवेन्यू आता है ठीक है देन कंसल्टेशन जो था वो मैंने अभी स्टॉप कर दिया है बिकॉज आई एम लॉन्चिंग अ न्यू एजेंसी ग्रोथ जेट करके एजेंसी है जहाँ पे वी प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग सर्विसेज जहाँ पे वी हेल्प क्रिएटर्स टू ऑटोमेट दर सिस्टम्स एंड वी हेल्प क्रिएटर्स टू मैनेज दर सोशल मीडिया अकाउंट्स एकदम ऑटोमेट ऑटोमेटिक सिस्टम पे सो so, अभी वो एजेंसी जो लॉन्च कर रहा वो मेरे हो वो मेरा सेकंड रेवेन्यू okay. होगा फिलहाल मेरे पास दो रेवेन्यू है बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई आई मेक इट बाय सेवन जिसमें से एक है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होगी अफिलेट होगा ये दो ये हो गए देन थर्ड मेरा यूट्यूब एडसेंस होगा सो पांच तो यहीं पे हो जाएंगे दो बार फिगर आउट कर लेंगे ओके okay. <laughs> अभी अभी लेकिन करेंटली दो चल रहे हैं तुम्हारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के बाद तुमको क्या लगता है बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहता है मैक्सिमम लोगों के लिए ओके okay. सो so, यहाँ पे इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नीश सो लेट से यू आर अ कोच यू आर अ पर्सन जो कि एजुकेशनल सेक्टर में है ऑब्वियसली फॉर यू सेलिंग योर सर्विसेज सेलिंग योर एक्सपर्टीज सेलिंग योर स्किल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे लेट से इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन जो कि कुछ सिखाता है यू आर अ पर्सन जो कि एक्सप्रेस करते हैं लाइफ स्टाइल क्रिएटर फैशन क्रिएटर ट्रैवल क्रिएटर ठीक है इन दैट केस आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा एफिलियेट ठीक है आप ब्रांड के साथ रिलेट कर रहे हो सेकंड होगा ब्रांड इसके ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है जो अगर तुम अगर शेयर कर सकते हो बता सकते हो कि को कोई कोई sure. ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग इंटाग्राम में मतलब बेसिकली मैं जानना चाहता है तो पोटेंशियल कितना है क्योंकि यूट्यूब पर तो मेरे को पता है यूट्यूब पर कैसा कैसा कैसे ग्रो करता है हैं और मैं इंस्टाग्राम मैं भी थोड़ा नया यू बोल सकते हो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस्टाग्राम पर उस पर रेवेन्यू का तो इतना ही नहीं hmm. तो उसको थोड़ा और अच्छा से लेबोरेट और जनता को भी जो लोग इंटाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं उनको भी मालूम पड़े कि पोटेंशियल कितना है तुमको लगता है बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल देखिए बताओ कि हाँ इससे इतना इतना लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहा है ऐसा कुछ है

हाँ एंड देर इज देर इज दिस गाय रियल इस्टेट में आई आई डोंट नो द नेम बट ही इज मेकिंग अराउंड हंड्रेड करोड का रेवेन्यू विद इन जस्ट थ्री ईयर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम ओनली इंस्टाग्राम ओनली इंस्टाग्राम रियल स्टेट बिजनेस में है वो चार चार लाख फॉलोअर्स है उसके एंड इज मेकिंग क्रेजी अमाउंट भावेश भाई इफ यू नो आ जाओ दिखा देंगे इवन ही इज मेकिंग इन लैक्स एंड करोड़ रुपीज़ एक्जैक्ट रेवे आई डोंट नो बट विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम इवन ही इज मेकिंग बंच अमाउंट सो पोटेंशियल तो बहुत है इंस्टाग्राम का यूज आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छे से हो सकता है क्या है ऐसे इंटाग्राम इज अ वेरी इजी टू ग्रो प्ले प्लेटफॉर्म आप वीडियोस बनाते जाओ लेट्स इफ यू आर यूट्यूबर देन देन तो बहुत ज्यादा इजी है एक यूट्यूबर के लिए लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इज अराउंड टेन टू ट्वेल्व मिनट्स उसके अंदर से क्लिप्स नि निकालते जाओ, जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ आपके पास काफी क्लिप्स आ जाएंगे सो इफ यू स्ट्रैटी अच्छी लगती है तुमको कैसा लगता है वो जो पॉडकास्ट वाली शॉर्ट की स्ट्रैटेजी है यस येस आई लव दैट स्ट्रैटेजी क्योंकि वहाँ पर ना विन टू विन सिचुएशन होती है नॉट एवरी क्रिएटर इज अ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर सॉरी नॉट एवरी ऑडियंस इज़ नॉट लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस ठीक है सबको ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो पसंद नहीं आते या मैं बोलूँगा सबके पास उतना टाइम नहीं होता ठीक है सम पीपल वॉन्ट्स के वो कम टाइम में ही ज़्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम कर ले सो इन दैट के शॉर्ट्स काम आते हैं और अगर आप पर्टिकुलर शॉर्ट्स में आपके लॉन्ग फर्म कॉन्टेंट कॉन्टेंट निकाल रहे हो दैट इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो कि आप एक ही साथ दो दो कॉन्टेंट बना रहे हो hmm. ठीक है राइट ना हम पॉडकास्ट पर बैठे हुए hmm. हम बातें कर रहे हैं एक पॉडकास्ट बन जाएगा रील्स बन जाएगी ठीक है शॉर्ट्स बन जाएंगे तो जस्ट इमेजिन आपका वर्कलोड कितना कम हो चुका है ये चीज़ तो मैं करता हूँ मैंने अपने शीशान शेक पे डाला भी है बट है ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जब भी है ना मैं स्पेसिफिक सोच के कंटेंट बनाता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर बनाया मैंने कुछ क्रिएटिव कर दिया तो वो बहुत चलता है लेकिन अभी पॉडकास्ट के छोटे छोटे बिट्स बना के डालता हूँ तो वो इतने नहीं चलता कुछ कुछ फटे थे बहुत कम रेयरली फटते कुछ कुछ फट जाते मिलियन में भी पहुँच जाता है बट वो कुछ कुछ ही होता है ज़्यादातर नहीं चलता तो ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है ना ये बेटर है और आई थिंक कर भी रहा है बहुत सारे लोग की एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज हो जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स के छोटे छोटे क्लिप्स जाए सो so, यार यहाँ पे अगर लेट से इसको थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर आपका पर्सनल ब्रांड है देन mm. आपका पॉडकास्ट है इफ़ यू वॉन्ट टू एसोशिएट बोथ ऑफ दिस थिंग्स देन आप अपने पेज पर ही डालो बट इफ़ यू आर लाइक यार मेरे को पर्सनल ब्रांड और स्ट्रॉग बनाना और थोड़ा सा अलग बनाना है पॉडकास्ट मेरे लिए यूट्यूब पे ही रहेगा एंड उसके क्लिप्स जो है मैं उसका एक अलग पेज बना दूंगा आपका डी बी सी पॉडकास्ट है आपने डी बी सी पेज बना दिया उस पर आप डाल रहे हो सो so, वो अलग रहेगा बट इफ़ यू वॉन्ट कि आप साथ में ही कर रहे हो सो इन दैट केस आप कर सकते हो बट यहाँ पे क्या होता है ना कि ओके विल टेल यू जैसा आपने अभी कहा कि यू नो कुछ कुछ फट जाते हैं कुछ कुछ नहीं जाते मैक्सिमम एक्चुअली नहीं फटता <laughs> हाँ, 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 हाँ। <laughs> कुछ कुछ ही फटते मतलब गिने चुने नंबर्स में अच्छे चलते होंगे वरना तुम देख लेना मेरे व्यूज देख लेना चाहिए तो बाद में कितने कितने डिफरेंस आता है तो यार अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अगर बनाऊँ कि यार इंस्टाग्राम पे ऐसा क्यों होता है कि जो सब आ, आपका भी आपके भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार मैंने सबसे अच्छा वैल्यूबल कंटेंट डाला वो इंस्टा पे नहीं चला हुँ. आपने सबसे अच्छा पॉडकास्ट अब तक का रिकॉर्ड uh, किया होगा एंड आपको लगा यार ये रील जो है ये फटेगी लाइक बेस्ट व्यूज़ आने वाले क्योंकि बोला ही बहुत अच्छा बंदा अच्छे ने बट उस पर व्यूज ही नहीं आते हाँ वेरेज एक और कंटेंट है जिसपे यू फील किया यार ये डालना ही नहीं चाहिए मैं डालता भी नहीं हूँ बट योर टीम्स से इसके लिए डाल देते एक बार एंड इट ग्लोज अवे राइट सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्टाग्राम पे ऐसा ही होता है अब यहाँ पे ना आई विल टेल यू इंस्टा पे ना कंटेंट नहीं चलता इंस्टा hmm. पे कंटेंट नहीं चलता डू मीन दैट सो पीपल ऑलवेज थिंक यार इंस्टा पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे भर भर के इंफॉर्मेशन देंगे एंड दे विल ग्रो ऐसा नहीं है आई एम नॉट सेंग मैं इसको भी यहाँ यहाँ पे भी लो ना ब्लैक एंड वाइट मत ले लेना ये ग्रे एरिया समझ रहा हूँ ठीक है सो हाँ. so, यहाँ पे आई विल टेल यू मैं एग्जांपल्स के तो समझाता हूँ से एकदम एवरीवन इज सेइंग कि हम जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा ग्रो होंगे मैं बोलता ऐसा नहीं है इंस्टा पे यूज़र बेस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत हुई थी यूट्यूब से वीडियो वीडियो अगर मैं बोलूँ वीडियो कंटेंट की शुरुआत हुई थी यूट्यूब से सबके दिमाग में वो यूट्यूब परसपेक्टिव बैठा हुआ है कि हम जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा लोग आएंगे यूट्यूब पर ऑडियंस ही अलग है यूट्यूब पर काफ़ी मेच्योर ऑडियंस है एक यू you नो know, और इंस्टा पे काफ़ी मेच्योर ऑडियंस है अपार्ट फ्रॉम देट यूट्यूब का एक अलग ही बिहेवियर है अगर आप यूट्यूब पर जाओगे आप सर्च करके कॉन्टेंट देखोगे इंस्टाग्राम पे आप कभी भी ऐसे ही जाते हो hmm. अगर आपका प्रोफेसर आपको बोर बोर कर रहा है आप नीचे रील्स क्रोल करोगे आप यूट्यूब स्क्रो नहीं करोगे राइट सो इन दैट केस आपका रील्स का जो बिहेवियर है अगर मैं बोलूँ कि रील्स आप कंज्यूम जब करते हो वो कंज्यूमर का जो बिहेवियर वो बहुत रैंडम है hmm. इतना रैंडम है कि वो जब उसको बोर हो रहा, था, वो यूज कर रहा है तब वो यूज़ कर रहे हैं मतलब इस तो इस, इसका बेसिक सा मतलब है कि वो सीरियस नहीं है यूट्यूब पर सीरियस ऑडियंस होती है सर्च करके जाते हो इंस्टाग्राम सजेस्टिव बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो सजेस्ट करता है कॉन्टेंट और फिर आप देखते हो यूट्यूब सर्च इंजन बेस्ड प्लेटफॉर्म है सो so, यार इन दैट केस इफ़ यू सी तो यहाँ पे ना आपका कंटेंट चलेगा ही नहीं यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे आपको पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे आपको सीरीज बनानी पड़ेगी सो so, मेरा अगर मैं बोलूँ कि ये चार साल की जर्नी है वो चार साल की जर्नी में मैंने क्या सीखा तो उसको मैं तीन वर्ड में डिपेड करता हूँ पैटर्न फॉर्मेट सीरीज एक्सप्लेन इट कर सकता एकदम सिंपल वे में करूँ सो so, यार हमारा कॉन्टेंट आई विल टेक इट कि मैं फिटनेस नीच में हूँ और हमारा जो कॉन्टेंट है अगर आपको चेस्ट ग्रो करना है तो आप डम्बल प्रेस करो दिस इज़ द कॉन्टेंट एक टॉ एक टिपिकल जो इंस्टाग्राम आ है वो आएगा यार अगर आपको चेस्ट ग्रो करना है तो आइए अभी एक्सरसाइज़ कीजिए ठीक है ये ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है अच्छा कॉन्टेंट है बट यार उसी को ना एक बंदे ने फॉर्मेट में डाल दिया था इफ़ यू वॉन्ट दिस मार्कर से लेके आएगा एकदम पूरा मार्क करेगा इफ़ यू वॉन्ट दिस डो दिस इफ यू वॉन्ट दिस डो दिस मतलब बेसिकली उसने क्या किया अपने जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको बहुत ही ईजी फॉर्मेट में डाल दिया ठीक है इतना ईजी डाल दिया कि लोग अभी लोग बोल रहे हैं मेरे को चेस्ट ग्रो करना है मैं डबल प्रेस कर रहा हूँ इतना ईजी फॉर्मेट है एक और एग्जाम्पल देता हूँ शरण शरण ने ना पैटर्न और फॉर्मेट दोनों का मिक्सर किया हुआ है शरण का पैटर्न इस कि वो कैरेक्टर्स के अंदर ग्रीन स्किन भी यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स के अंदर वो कपड़े पहनता भी कॉस्ट्यूम्स पहनता भी है ठीक है एंड शरण का एक फॉर्मेट है कि यू you नो know, वो कैरेक्टर्स में ही बात करता है उसका सारे उसके जितने भी जो वीडियोज़ हैं उन सब में वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो कैरेक्टर्स के थ्रू देगा तो ये एक फॉर्मेट और पैटर्न है उसका एंड दैट गोज़ वायरल अब यहाँ पर अगर आप आओगे एक और एग्जांपल एक देता हूँ देर इज़ दिस गाय जो कि लिफ्ट करते हैं अब उसका जो यू एस पी है दैट इज़ की जो लोगों के रिएक्शन है वो हैवी जब लिफ्ट करते हैं जो लोगों के रिएक्शन है वो रिएक्शन की वजह से वो वीडियोज़ बनाता है रिएक्शन बेस्ड वीडियोज़ बेसिकली अब लोग क्या करते हैं दे जस्ट गो एंड वो यू नो ईगो वाले होता है ना कि यार नहीं लिफ्ट कर पाएगा ये तो मैं करूँगा लो, लोग वैसे कर रहे हैं जैसा फॉर्मेट बट चीप फॉर्मैट है उसने उसको और एडवांस कर दिया उसने क्या किया कि जब कोई बंदा हैवी मार रहा है वो जाता है बीच में यानी ही इज़ लाइक Oh, वो क्लीन exactly. हाँ। बोलने के चक्कर बन जाती तो. हाँ। है हाँ। हाँ। और ये चीज़ ना, को बहुत लगती है। अब यहाँ पे ऑडियंस बोर नहीं होने वाली शर्ग के कॉन्टेंट में लोग बोर नहीं होने वाले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे एस्थेटिक मैटर करते हैं जहाँ पे बोरिंग कॉन्टेंट काम नहीं करता जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा अपने कॉन्टेंट में एक पैटर्न बनाना पड़ेगा अपने अपना जैसे मेरे कॉन्टेंट इफ यू सी यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेट दोनों नहीं है मेरे कंटेंट में hmm. मेरे मेरे कंटेंट में सीरीज है सीरीज हाँ सो hmm. so, मैं एक पर्टिकुलर सीरीज चलाता हूँ दैट इज कॉल्ड कूल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज मेरा जो कोच है उसका सीरीज है इंस्टा हैक यू नेवर नो और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स है वेबसाइट दैट टू नो बहुत सारे क्रिएटर्स की सीरीज है ए आई टूल फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स ये भी एक सीरीज है लोगों हाँ मैं भी देखो अपना मिला भी उनसे अनफाइनेंस करके एक चैनल है एक्जैक्टली exactly. वो भाई वो लोग कैसे डोंट मिस दिस हैक ऐसा करके वो लोग एक बना के रखे हुए हमेशा वो लोग hmm. एक पैटर्न मतलब बना हुआ है वही ah. सीरीज मतलब क्या बोलो उसको पता नहीं लेकिन वो हर बार ना वही टाइप का रहता है डोंट मिस दिस इफ यू आर गोइंग टू मतलब कुछ भी यू एस एसा कुछ सो so, यहाँ पे अगर ये देख आप नोटिस करना कि अगर आप सीरीज बेस्ड कॉन्टेंट बना रहे हो तो मेरे मेरे लिए सबसे बेस्ट सीरीज बेस्ड कॉन्टेंट क्यों है क्योंकि यार लेट से मेरी कूल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज जो सीरीज़ है वो वायरल जा रही है इन दैट केस आई नो की अगर मुझे वायरल जाना है तो मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ कॉन्टेंट बनाना है बट एट द सेम टाइम मेरे गोल्स है कि को client conversion मेरे को क्लाइंट कन्वर्जन भी चाहिए मेरा गोल है कि मेरे को अपना बिजनेस भी ग्रो करना है सो इन दैट केस में एजुकेशनल स्टफ भी बनाऊंगा सो so मैं तो फिलहाल तो सिर्फ दो टाइप का कॉन्टेंट कर रहा हूँ वन इन सीरीज बेस्ड कॉन्टेंट दस्ट सर केज एजुकेशन कॉन्टेंट सीरीज से मैं वायरलिटी गेन करता हूँ एजुकेशन एजुकेशनल कॉन्टेंट से मैं कन्वर्जन करता हूँ सो दैट्स हाउ आई प्ले नाउ ये जो तीन चीज़ें थी इफ यू प्ले ऑन दिस थ्री थिंग्स यू कैन ग्रो ईज़िली बाई वन मिलियन फॉलोवर्स विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स बट अगर आप सिंपली एडुकेशनल कॉन्टेंट बना रहे हो ठीक है तो उसमें फिर आपका जो टॉपिक है वो मैटर करेगा उसमें आप स्टार्ट कैसे करते हो वो मैटर करेगा उसमें आप यू नो स्क्रिप्ट क्या है आप वो मैटर करेगी और ये सब ये सब को ना इन सब के पैटर्न्स ढूंढना बहुत मुश्किल है अगर लेट से आपका टॉपिक जो है एम एस धोनी अगर समझो वायरल गया आपके पेज पे अब आप आगे क्या करोगे मतलब मैं एम एस धोनी से क्या पैटर्न बनाऊँ आगे आपको इतना पता है कि चेन्नई सुपर किंग जीती तो मैंने वो ट्रेंड के हिसाब से उठा लिया बट कोई पैटर्न तो बना नहीं यहाँ पर आपका बट वायरल सीरीज पैटर्न ऑफ फॉर्मेट्स में आप कंटेंट कुछ भी लो बट जस्ट बिकॉज कि आपका एक पैटर्न है वो कंटेंट क्रिएट करने का तरीका अलग है वो आपका कंटेंट वायरल जाएगा ही जाएगा एंड दैट्स वेर पीपल रेकग्नाइज यू शरण को लोग इसलिए जानते ठीक है दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज़ फॉर्मैट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मतलब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में है अभी भी है थी थी भी और है भी बट तुमने उसको अच्छे से ना वो कर दिया एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक सो वो make sense करना I think वो 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 मेक सेंस करें आई थिंक वो नेम कर देना ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कई बार कि आपने सीरीज़ और ये अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग और मैंने ये नोटिस किया भी है मैक्सिमम लोग यही सीरीज़ पैटर्न एक अपना पकड़ लेते हैं और वही चीज़ को बार बार फिर वो करते हैं hmm. अच्छा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ज़्यादा यंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे ये ये hmm. सही है यस yes, यस yes, ठीक है yes. ज़्यादा यंग लोग इधर पे पर और जो यूट्यूब पे इस पर ज़्यादा यंग यंग भी है लेकिन एजुकेशनल ज़्यादा सीखने वाली ऑडियंस ज़्यादा है और ये भी मैंने कंपेरिटिवली मैंने भी नोटिस किया जो भी स्टार्ट भी कर रहे हैं ना लोग इंस्टाग्राम पे जल्दी ग्रोथ मिलता है यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतना जल्दी ग्रोथ नहीं मिलता तुमने सर पैटर्न नोटिस किया सो so, यो यहाँ पे मैंने यूट्यूब का डेटा तो मुझे नहीं पता ठीक है बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि इंस्टाग्राम पर ग्रो करना ग, ग, अगर आपको ग्रो करना है एंड यू आर फॉलोइंग दिस थ्री पैटर्न पैटर्न फॉर्मेट सीरीज़ तो यू कैन ईजिली ग्रो ऑन इंस्टाग्राम एकदम आराम से करोगे सो so, कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हो कैसे पैटर्न फॉलो मतलब कुछ बनाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों का ऐसा कुछ सो so, यार सबसे बेस्ट टिप दैट आई वुड गिव यू इज़ आपका कंटेंट जो तो है उसको तो इतना सिम्प्लीफाई कर दो तो इतना ज़्यादा सिम्प्लीफाई करने का ट्राई करो कि यार मैं अपने कॉन्टेंट को सबसे ईजिएस्ट वे में लेके आऊँगा एंड द डे यू थिंक यार मैं अपने कॉन्टेंट सबसे ईजीएसट वे में रखूँगा आप अपने दिमाग में ना खुद ही सोचने लग जाओगे कि यार ये टॉपिक इतना ये है तो एक काम करता तो हूँ मैं इसमें कैरेक्टर्स डाल देता हूँ ये क्वेश्चन पूछेगा मैं आंसर मैं करूँगी यार इसमें तो मुझे दो तीन चीज़ चीज़ें चीज़ समझानी है दो तीन चीज़ें तो मैं ऐसे फ्लो फ्लो में नहीं कर पाऊंगा कैरेक्टर डालूंगा तो क्वेश्चन पूछेगी तो मैं ती, तीन चार चीज़ें एक साथ कवर कर सकता हूँ तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा शरण ने भी अपना अब आप सोचो शरण ने अपना पैटर्न क्यों बनाया था जब शरण का स्टार्टिंग की वीडियोज़ वेर लाइक वो यू ना सिर्फ और सिर्फ एडुकेशनल कॉन्टेंट बना रहा था बट लेटर ऑन उस शरण की बुक में लिखा उसने ये शरण शरण ने कहा कि यार उसका नेश बहुत बोरिंग है फाइनेंस कैलकुलेशन करना यू you नो know, डेटा पढ़ना डेटा शीट्स पढ़ना कोई को, को, कोई करता ही नहीं था ही सेड कि यार अगर ये इतनी कॉम्प्लेक्स नीश है मैं वापस इसको वही टर्म में लेके जाऊंगा तो फिर क्या मतलब तो उसने उसने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ इसको बहुत सिंपल वे में लेके जाता हूँ और वो सिंपल वे में जाने के लिए उस बंदे ने कैरेक्टर्स का सहारा लिया और वहाँ पे उसकी सीरीज़ बन गई मेरी मैं बात करूँ तो मैंने जो सीरीज़ बनाई थी मैंने क्या सोचा कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा ऑडियंस चाहिए मतलब आई वॉन्ट की मेरा मेरा जो अगर मैं नीच बोलूँ इंस्टाग्राम है मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको इंस्टाग्राम पर ग्रो होना है मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं आई वॉन्ट अ वेरी सिंपल ऑडियस जो Instagram यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं कुल cool Instagram स्टोरी आइडियाज बनाता हूँ आपको ग्रो नहीं होना है इट्स ओके बट यू कैन स्टिल यूज़ दो आइडियाज़ और काफ़ी लोग करते भी हैं सो so, मैंने 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 जब मैंने सोचा कि मेरे को सबसे सिंपल ऑडियंस चाहिए सबसे बेसिक ऑडियंस चाहिए तब मेरे दिमाग में ये सीरीज़ आई थी यार इन दैट केस मैं एक सीरीज़ बना सकता हूँ जो कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं अब वो सीरीज़ में जब लोग आते हैं यहाँ पर और कुछ लोग मेरा एडुकेशनल कॉन्टेंट देखते हैं और स्कैटर होके मुझे एज अ क्लाइंट अगर एडुकेशनल कॉन्टेंट देखे अगर वो क्रिएटर है उसको ग्रो होना है तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे क्लाइंट यू नो डीएम करेगा एंड देन पे मैं कन्वर्जन भी ले लूँगा वही है कई बार हमारे पास ही आंसर्स है वी हैव टू फिगर आउट हमें समझने कि हमारे पास क्या है हम बेस्ट दे सकते हैं ऑडियंस को क्या चाहिए और वही हम ट्राई कर रहे हैं क्रिएटिव तरीके से सीरीज बना के वो करके उनका काम आसान करके आई थिंक ये चीज़ हर जगह पे सेम ही रहती है बिजनेस भी आप ऐसे ही ग्रो करते हो आप यूट्यूब हाँ. पे भी ऐसे ही ग्रो होता है हर जगह पे ये सेम फॉमला ही है इंस्टाग्राम uh, अगर मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तुमको कौन सा लगता है तो क्या बोलोगे उस आई परच मार्क प्लीज डोंट बैन मी हाँ आई लाइक यूट्यूब अच्छा क्यों ऐसा सी ये यूट्यूब पर कैसा है ना अगर आपके एक मिलियन फॉलोवर्स है यूट्यूब पे और आपके एक मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर अगर आप आपके इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो ढंग के ऑडियंस नहीं है यू वोंट मेक एनी काइंड ऑफ मनी यूट्यूब एटलीस्ट आप एडसेंस से तो कमा लोगे एज अ क्रिएटर यू आर सेफ़ कि आपको व्यूज़ आ रहे हैं आपको इतना पता है कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके पास जो यू नो इनकम जो है वो हल्के से सेफ है यू फील सेफ कि अगर आगे जाके मेरे पास कोई टीम भी नहीं है मैं खुद से वीडियोज़ बनाऊँगा खुद ही पोस्ट करूँगा कुछ रेवेन्यू आ जाएगा आ जाएगा राइट ठीक है ये एक सेफ हो तो जाता है सेकेंड थिंग यूट्यूब पे ना लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट है तो आप ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करके ज़्यादा नॉलेज दे सकते हो बेसिकली uh -huh. आप इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो राइट इंस्टाग्राम पे आप थर्टी डेज़ में थर्टी रील्स लगाओगे कम कम इम्पैक्ट होगा अब इंस्टाग्राम पे बड़े वीडियोस नहीं चलते आई वो जो आया था अभी सब चल रहा है कुछ सो uh, आई so, uh, तो फिलहाल उन्होंने uh, ये कर दिया है लाइक like,

आई वे डेल यहाँ पे क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द पीपल उनका गोल होता है कि उनको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है बट दे बट दैन वो एक नेश सेलेक्ट कर लेते हैं बहुत लोगों को हो होता है कि मुझे क्लाइंट कन्वर्जन चाहिए बट वो लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं सो इन दैट केस आप अपने गोल से बाहर जा रहे हो मेरा एक क्लाइंट था किंग शुक करके mm -hmm. किंग शुक का था ही वॉन्टेड ही वॉन्टेड क्लाइंट फॉर इस कॉन्टेंट राइटिंग टीम मतलब उसकी एक कॉन्टेंट राइटिंग एजेंसी थी पूरी टीम थी उनके राइटे, राइटे, राइटर्स की ही सड़की में सर मेरे को कॉन्टेंट राइटर्स के लाइक आई मीन आई वॉन्ट क्लाइंट्स ताकि मेरी कॉन्टेंट राइटिंग एजेंसी ग्रो करे डेफिनेट वी कैन वर्क टुगेदर बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है इन मेनी इंडस्ट्रीज टू ग्रो एज अ पर्सनल ब्रांड वो ट्विटर थ्रेड्स पर वीडियो बना रहा है वो हाउ टू ग्रो एज अ यू नो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर वीडियो बना रहा है बुक्स पर वीडियो बना रहे हैं हम लगो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्कस योर गोल इज़ टू गेट क्लाइंट्स इन इन वन पर्टिकुलर निश आपको उस इंडस्ट्री में फोड़ना है यूट यू वॉन्ट कि यार यू नो इस इंडस्ट्री में कोई भी अगर आए इफ़ दे इफ़ पीपल नीड राइटर्स वो आपका नाम लें इन दैट केस अगर आप इतने सारी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो यू वॉन्ट भी एबल टू डू दैट बट वाट इफ आई टेल यू कि यार मैंने मैंने ना पैसे बहुत बना लिए मतलब मैं ऑलरेडी यूट्यूपे पर बहुत स्टाबलिश हूँ मेरे एक इंडस्ट्री मैंने पकड़ लिया है अब मेरे को ना सिर्फ पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है आई वॉन्ट ऑडियंस मेरे को कुछ नहीं कर मेरे को सिर्फ ऑडियंस चाहिए सो so, उस केस में आप एक इंडस्ट्री पकड़ोगे सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट आप बिजनेस मेंम्प्रूव कर रहे हो आप लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर रहे हो आप फिटनेस इम्प्रूव कर रहे हो आपने आपको इम्प्रूव सो यहाँ पे एक इंडस्ट्री पकड़ोगे आप तो so, पहले आप डिसाइड करो कि आपको इंडस्ट्री पकड़ना है या नीच पकड़ना है अगर आपको इंडस्ट्री पकड़ना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड वाइड ऑडियंस आएगी आपके पास बहुत वराइटी ऑफ ऑडियंस आएगी अगर आप नीच पकड़ते हो आपके पास बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस आएगी एट दी एंड पैसे आपको दोनों में मिलेंगे बट ये होगा कि अगर आपके नीच ऑडियंस है वो ज़्यादा क्वालिटेटिव रहेगी एक लाख नीच ऑडियंस एक लाख इंडस्ट्री ऑडियंस नीच ऑडियंस आई वीड प्रेफर मैं ज़्यादा सेल कर सकता हूँ बट वॉट इफ अगर यहाँ पर अगर मैं राज को बोलूँ कि भाई यू शुड क्रिएट कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया वो क्यों करेगा मतलब उसके पास ऑलरेडी बिजनेस है उसका ऑलरेडी पॉडकास्ट चल रहा है उसको मैं अगर बोलूँगा स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ही, से, ही। उसका मेन गोल है कि उसको अपने पूरे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करना है ताकि वो अपनी ब्रांडिंग कर सके और वो अपनी ब्रांडिंग को लेवरेज कर सके अपने बिजनेस में तो ऑबियसली बात है वो कभी भी नीच नहीं पकड़ेगा वो एक इंडस्ट्री पकड़ेगा सो फर्स्ट चूज अ इंडस्ट्री और अ नीश सेकेंड वंस यू डू दैट आफ्टर सिलेक्टिंग अनीश और अ इंडस्ट्री यार मेक श्योर करो कि आप इस आप उस इंडस्ट्री के बादशाह हो शाहरुख खान जब बोल बड़ी लाइन में जाके बोलता है ना कि मेरे को इस स्टेट का राजा बनना है जब मैंने स्टार्ट किया था आई साइड कि जब इंस्टाग्राम पर नाम होगा मेरे को मेरे को चाहिए कि मार्क्स से पहले मेरा नाम आए इंडिया में ठीक है तो यार वो माइंड के साथ चलो एंड बोलो कि मेरे को इस कैटेगरी को डोमिनेट करना है इस कैटेगरी में भले टॉप फाइव क्रिएटर हो टॉप वन पे कोई भी हो बट मेरे को उन टॉप फाइव पे आना है और बहुत जल्द आने वाले ईयर्स में मेरे को टॉप वन पे आना है इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट यू विल डू एवरी थिंग टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम आप बेस्ट बेस्ट कॉन्टेंट ढूंढना शुरू कर दोगे एंड मैं थर्ड स्टेप इज़ आप अपने ऑडियंस की उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो ठीक है लेट से आपने एक नीच पकड़ा हुआ है आपका ऑब्वियसली बात है मेन गोल क्या है कि आप क्लाइंट्स चाहिए आपके क्लाइंट्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो अपने कॉन्टेंट के थ्रू सॉल्व कर दो आपका गोल है कि आपको इंडस्ट्री आपका आप, आपका जो गोल था वो इंडस्ट्री है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आप अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट की है इन दैट केस यू नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट जो कि ज़्यादा लोगों के पास जाए जो जो ज़्यादा जो, जो लोग रिलेट कर सके जो ज़्यादा जा, लोग समझ सके आपको वाइडर ऑडियंस के पास जाना है सो अकॉर्डिंगली स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड वंस यू डू दैट वंस यू नो हुज़ और ऑडियंस वनस यू नो वट टाइप ऑफ कॉन्टेंट वर्क फॉर यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ये भी देखना है कि आपके पेज पर कौन सा कॉन्टेंट काम करता है मेरे पेज पर कैरेक्टर्स काम नहीं करते मेरे पेज पर अगर मैं शरण की तरह कॉन्टेंट बनाऊँ काम नहीं करेगा शरण के पेज पर अगर वो स्टूडियडियस करेगा वो काम नहीं करेगा राइट सो इन दैट इज़ यूनिट टू आइडेंटिफाई कि यार कौन सा कॉन्टेंट कौन से पेज पर काम करता है और मेरे जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं बोलूँगा इसकी आप एक बार आइडेंटिफाई करो कि आप जो भी कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो जो कॉन्टेंट पोस्ट कर रहे हो जो आप टाइप यूज़ कर रहे हो वो आपको शूट करता है कि नहीं आई मीन इज इट समथिंग कि आपके ऑडियंस को अच्छे से इसलिए आप क्रिएट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम uh, कोच अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में बात करूँ इसमें लिपसिंग कॉन्टेंट बहुत चलता है फॉरन मार्केट में इंडिया में क्रिएटर्स है ही नहीं तो so अगर मैं फॉरन मार्केट को देखा तो लिपसिंग बहुत चलता है बट आई डोंट लाइक लिपसिंग मेरे मेरे को जमता ही नहीं है आई कैन गेट वायरेलिटी मेरे स्टार्टिंग में लिपसिंग काम भी कर रहे हैं बट यार मेरे को प्रेशराइज करके करना पड़ा है उस लिप सिंह को तो उस केस में मैं नहीं करूँगा मैं उसको सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा आने वाले छह महीनों में मैं, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा एक दूसरा क्रिएटर सात रील एवरी वीक डाल रहा है मेरी कैपेसिटी सिर्फ चार रील की है मैं ट्राई करूँ कि मैं सात रील डालूँ नहीं चलेगा यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कितना कॉन्टेंट पोस्ट कर सकते हो आप क्या कॉन्टेंट पोस्ट कर सकते हो आप कैसे कॉन्टेंट पोस्ट कर सकते हो आप कैसे वीडियोज़ बना सकते हो अगर आप आउटडोर वीडियो नहीं बना सकते आपको शर्म आती है ठीक है तो इन दैट केस मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगी आप फर्स्ट डे पे बाहर जाकर वीडियो बनाना शुरू कर दो ऑब्वियसली वॉन्ट भी एबल टू डू इट राइट यू नीड टू आडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट वनस यू फिगर आउट कि हु यू आर वट यू वॉन्ट एंड हुज़ अर ऑडियंस इफ यू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन ना इट्स वेरी वेरी इजी टू गो ऑन इंस्टाग्राम काफी जेनुअन राइट आंसर सही जितने भी तुमने आंसर दिया सही है ये रियलिटी है आई थिंक सो जो तुमने सच बताया आई थिंक बट ये मैं हूँगा ना तुम थोड़े ना वो भी बताओ कुछ हुक्स के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग बता सकते हो अगर हुक्स से रिलेटेड कुछ अभी तक तुमने क्रैक किया कुछ छोटे छोटे टिप्स पता चले जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ तो मैं हेडलाइंस अगर मैं नंबरिंग यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा चलता है yes. अगर आप हुक में स्टोरीज़ यूज़ करते हो स्टार्टिंग में तो चलता है कुछ शॉकिंग फैक्ट स्टार्टिंग में बताते हो चलता है तो ऐसी कुछ तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ मैंने कुछ पैटर्न नोटिस किया कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो अच्छा कॉन्टेंट बनाने में हेल्प करें या ग्रो करने में हेल्प करें सो so, यार अगर मैं हुक की बात करूँ तो हुक्स में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पहले ना आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो हुक्स के अंदर ठीक है मैं आपको ना एक एक हुक का एग्जाम्पल देते रहता हूँ स्टार्टिंग में या तो आप एक चीज़ एक या तो प्रॉब्लम प्रमोट करो या सल्यूशन प्रोवाइड कर दो एग्जाम्पल देता हूँ एक प्रोमो लेट से हमारी जो प्रॉब्लम है वो फैट लॉस की है ठीक है और आप हर रोज़ वर्कआउट कर रहे हो डाइट भी फॉलो कर रहे हो बट फिर स्टिल आपको फैट लॉस नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम को मैं स्टार्टिंग में हो में प्रमोट कर देता हूँ अभी आर यू समन हुई हु इज वर्किंग आउट एवरी डे हुज़ वर्किंग कंसिस्टेंटली इन थ्री टू फोर ईयर्स बट स्टिल बट स्टिल नॉट एबल टू गेट फिट लोग ना इस प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे और फिर देखेंगे अब इसी प्रॉब्लम का अगर मैं सोल्यूशन निकालूँ तो उसका सोल्यूशन क्या होगा यू you नो know, उसका जो भी सल्यूशन होगा उसको मैं स्टार्टिंग में कर दूँ अब यहाँ पर सोल्यूशन मुझे नहीं पता तो मैं मेरे निश्क, मेरे नेश का एक्जाम्पल देता हूँ मेरे नीच में है यू डोंट नीड टू पोस्ट एवरी डे टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम ये एक सोल्यूशन है ठीक है आपको रोज पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है एक और है यू डोंट नीड टू फॉलो ट्रेंड्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम ये सोल्यूशन है अब ये जो सोलूशन है मैं स्टार्टिंग में जब दे दूंगा ऑडियंस बोले क्या बात कर रही है पोस्ट रोज नहीं करना है मतलब खुश है अंदर से खुश है रोज पोस्ट नहीं करना है बट हाँ। स्टिल क्या क्या है रीजन उसका तो या तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रमोट करो या सोलूशन दे दो या आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो ठीक है यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था

ऑडियंसले क्या बोल रही है वन मोर थिंग नेगेटिव बुक्स वर्स वेरी वेरी वेल आई मीन कंपेयर टू पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक हैल आप एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो अच्छे से एक्सप्लेन करो तो यार स्टोरी से इंक्रीज करने के लिए द बेसिक फंड ऑफ के आपको ब्रेक लेना ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए मैंने बोल दिया डोंट पोस्ट एन इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉर ट्वेंटी फोर आवर्व पॉजिटिव को आपने नेगेटिव में कर दिया मेरे को वन पॉइंट टू मिलियन व्यवसाय आए उस उस पर्टिकुलर रील पे ठीक है सो आप नेगेटिव हुक्स करना डालना शुरू कर दो बोल्ड स्टेटमेंट में यू कैन से समथिंग लाइक यू नो द ओनली रीजन योर कॉन्टेंट इज नॉट गेटिंग व्यूज बिकॉज योर कॉन्टेंट इज बोरिंग योर कॉन्टेंट इज बोरिंग एंड दट द रीजन यू आर यूर यू आर नॉट एबल टू गेट व्यूज और फॉलोअर्स यू आर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस थ्री एडवाइस सो वेन यू मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट ना तो लोग बोलते क्या बोला भाई इसने ये ये क्या बोल रहे हैं एंड दैट्स द रीजन यू आर नॉट एबल टू गेट व्यूज और फॉलोअर्स बंदा बोले मेरा कॉन्टेंट बोरिंग है इसीलिए मैं फॉलोअर्स follow, नहीं कर पा रहा हूँ hmm. उस चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे सेट हुक्स एक और मैं अगर दू थोड़ा सा अगर मैं हुक्स को इनडेप्थ में लेकर जाऊँ ना hmm. तो या तो आप प्रोसेस दिखाना शुरू कर दो स्टार्टिंग के अंदर hmm. या फिर रिजल्ट दिखाना शुरू कर दो स्टार्टिंग के अंदर ये भी चलता राइट अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो रिजल्ट था वो था स्टोरी व्यूज मे को इंक्रीज करने बट वो स्टोरी भी इसक्रीज़ करने तब फैसिनेटिंग साउंड नहीं कर रहे हैं मतलब लोगों को लगेगा ठीक है नॉर्मल टिप दे रहे हैं वहाँ पर जो प्रोसेस था वो मस्त था प्रोसेस था पोस्ट पोस्ट ही मत करो स्टोरी सिं ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए तो आप फिगर आउट कर लो कि आपका प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका प्रोसेस ज़्यादा मज़ेदार है या आपका रिजल्ट ज्यादा मज़दार है ठीक है अगर मैं बात करूँ जो हमने फाटस वाला एग्जाम्पल लिया तो वहाँ पे यू नो वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यू आर वर्किंग आउट्स इन थ्री टू फोर मंथ्स बट यू स्टिल स्टिल नॉट एबल टू गेट फिट यहाँ पे प्रोसेस ही मज़ेदार है बंदा बोल रहा है मैं तीन महीने से घस रहा हूँ बट फिर भी काम नहीं हो वो परेशान है वो उसको रिलेट कर पा रहे हैं बहुत ही कम ऑडियंस है जो कि सच में फिट हो चुकी है परसेंटेज जो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है वो वो ऐसी ऑडियंस है जो फिट नहीं हो पा रही है तो वाइडर ऑडियंस के लिए वो कॉन्टेंट रेलिवेंट है प्लस वहाँ पर आप ईजिली होकर लोगे उनको क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं तो so, आप या तो प्रोसेस दिखाओ या तो रिजल्ट दिखाओ चार पांच तरीके दे दिए कोई एक तरीका यूज़ कर लो अपने लिए उसका एक पैटर्न बना लो उसको फॉलो करते जाओ जो चल गया उसका फिर पैटर्न बना लो एक्जैक्ट exactly. सीरीज भी बना सकते हो फिर हाँ. <laughs> हाँ सीरीज पकड़ लो फिर सीरीज बनाओ अरे नाइस वेरी नाइस भाई अच्छा एक काम करते हो डेप्थ में तो बहुत नॉलेज हो गई है हमें एक काम करते थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं है ना चीज़ें लाइटन अप कर देते हैं थोड़ा क्योंकि डेप्थ बहुत हो गया मेरा भी दिमाग चलने लग गया बहुत ज्यादा ये सब चीज़ों से रिलेटेड खैर चलो रैपिड फायर करते हो ठीक है इस शेडो बैन रियल नो क्या एड्स रन करना चाहिए फॉर ऐड्स रन करना चाहिए अपने पेज को ग्रो करने के लिए नो no. अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एड्स yes. no. yes. रन yes. करना चाहिए शुड यू पोस्ट एवरी डे नो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट यस डिवाइस मैटर करते हैं येस ज़्यादा पोस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है ग्रो करने के लिए नो लेंथ ऑफ वीडियो कितना होना चाहिए नो आंसर इज शॉर्टर वीडियोज़ बेटर देन लॉन्गर वीडियोज नो क्या एक बच्चे को ड्रॉप आउट लेना चाहिए डेफिनेटली नॉट ट्विटर या थ्रेड थ्रेड इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर थ्रेड्स यूट्यूब वेरिफिकेशन लेना चाहिए बैच यस इंस्टाग्राम सेचूरेटेड हो गया नो बेस्ट फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट क्या है लाइक कमेंट शेयर शेयर आर हैशे इंपॉर्टेंट नो शुड यू फॉलो ट्रेंड नो आंसर ट्रेंड्स अभी देखो ट्रेंड्स मैंने नोटिस किया ट्रेंड्स चलते बहुत है हुँ. जब कोई अच्छे से अगर ट्रेंड्स को पकड़ ले उसके ऊपर वीडियो बनाए कई बार चल जाता है हुँ. तो लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको यहाँ पे ना दो तीन टर्म्स आएंगे अगर मैं इसमें टेक्निकलिटी पे बात करूँ तो यार बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका दिमाग नहीं चलता ट्रेंड्स के मामलों में मतलब दे विल फील बर्डन कि यार उनको ट्रेंड्स बनाने पड़ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा यार क्या नई चीज़ दिखा रही है तो अगर अगर आप ऐसे क्रिएटर हो तो ट्रेंड्स आपके लिए हैं ही नहीं जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर ट्रेंड इज गोइंग वायरल अगर आप उसमें उस लिए जा रहे हो तो देन इट्स नॉट गुड फॉर यू मेरा मेन गोल ट्रेंड्स में जाना तब होता है जब जहाँ पर मैं अपनी जो नॉलेज है जो इफॉर्मेशन है एडुकेशन एंटरटेनमेंट मोटिवेशन या इंस्पिरेशन इन चारों में से जो भी कोई भी एक वैल्यू अगर मैं पकड़ता हूँ उस वैल्यू को अगर मैं उस ट्रेंड के तरह सिखा सकता हूँ तो ही मैं वह ट्रेंड फॉलो करता हूँ ट्रेंड्स के थ्रू वायरल जाना ईजी है येस इट्स ईजी बट यार जो हमने बात की पैटर्न सीरीज़ और फॉर्मेट uh, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जिन पर ट्रेनिंग ऑडियोस चलती ही नहीं है इन दैट केस ट्रेंडिंग ट्रेनिंग ऑडियोज सबके लिए है ही नहीं बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके जिनके अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ऑडियोस चलती है मैं मेरे पेज की एग्जांपल लेता हूँ दर इज दिस क्रिएटर कॉल्ड अजय इट्स अजय कुछ तो नाम है उसका okay. उसकी ऑडियोज़ जब मैं यूज़ करता हूँ ना आई गेट मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड वर्स्ट फैक्ट इज वो बहुत कम पोस्ट करते हैं सो <laughs> so, मेरे पास ऑप्शंस कम है बेसिकली सो so, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर अजय पोस्ट कर रहा है और अगर वो ऑडियो ट्रेंडिंग है तो मेरे को बहुत व्यूज़ मिलते हैं आई गॉट एट मिलियन व्यूज मिलियन व्यूज ट्वेंटी मिलियन व्यूज़ ट्वेंटी मिलियन इज इंडिया की आई गेस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड पॉपुलेशन ठीक है जस्ट बिकॉज कि मैंने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ की अजय की यहाँ पे मेरे लिए वो एक पैटर्न है मेरे लिए वो सीरीज़ है मैंने वो मैंने वो फिगर आउट किया बेसिकली सो so, ट्रेंडिंग ऑडियोज तो अगर आपके पेज पे काम कर रही है अगर आपको सूट कर रही है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अगर आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं है तो यू शुड यूज़ इट अच्छा डेटा हम जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे तो डेटा में क्या क्या चीज़ों को नोटिस करना चाहिए जैसे कि व्यूज़ चलो लोग ऑब्वियस न्यूज व्यूज आ रहा है हुँ. मैं बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्योंकि तुमने बोला ना मैंने फिगर आउट कर लिया हो तो डेटा से तुमने फिगर आउट किया होगा यस yes. तो क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करने में हमें देखना है चेकआउट करनी है कि मतलब वो टिक मार्क हाँ ये 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 है मतलब ये पैटर्न बन रहा है ऐसा कुछ है ये सर देर आर डेफिनेटली मेनी मैनी टिक मार्क्स दैट यू शुड फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप कौन से टाइमिंग्स पे पोस्ट कर रहे हो ठीक है वो टाइमिंग आपके लिए टाइमिंग कौन सा वर्क कर रहा है वो टाइमिंग अपने फिगर आउट के लिए टिक माक कर दो ये छः बजे ऐसे टाइमिंग जिस पे है जिस पर मेरी ऑडियंस भी एक्टिव है जिसमें मैं भी फ्री हूँ ताकि मैं एंगेज कर पाऊँ टिक आपको अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि एक तीन से चार रील्स मैं हफ्ते में बना पा रहा हूँ विदाउट एनी मेंटल प्रेशर विदाउट एनी मेंटल बर्डन कोई प्रेशर नहीं आ रहा है मेरी क्रिएटिविटी भी नॉर्मल है मेरे को बर्नआउट भी फील नहीं हो रहा है एंड इन दैट केस आई एम ईजिली एबल टू क्रिएट थ्री टू फोर रील्स एवरी डे विद माई फुल टिक मार्क डाल दो बट ये विगनेस को करना चाहिए नहीं बिजनेस को नहीं करना ये चाहिए क्रिएटर्स को करना चाहिए जो कि ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं ओके ठीक है ओके ठीक है अगर आप एक बिगिनर हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने हुक्स हुक्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो आपके हुक्स कैच है कि नहीं उस पर टिक मार कर दो ठीक है आपने कौन सा टाइमिंग पे पोस्ट किया हुआ है आपकी ऑडियंस एक्टिव उस टाइम पे अगर है टिक मार्क डाल दो फिगर वहाँ पे फिगर आउट नहीं कर रहे हम अभी आपकी ऑडियंस एक्टिव है टिक मार्क डाल दो हुक्स आपने अच्छा डाला हुआ है टिक मार्क डाल दो ठीक है आप हर रोज़ पोस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो फॉर द थर्टी और फोटी फाइव डेज स्टार्टिंग में टिक मार्क डाल दो तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर आपको टिक मार्क डालने अदरवाइज तो मैं हॉलेसली बोलूँ इंस्टाग्राम पर जब मैंने कॉन्टेंट शुरू किया था मैं किसी चीज़ पर टिक मार्क नहीं डालता था मतलब मेरा मेरा ऐसा था ना कि मेरे को कॉन्टेंट बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है ठीक है मैं मैं डांस कर रहा हूँ डांस के ऊपर मैंने एजुकेशनल स्टफ़ डाल दिया है लोग मेरे डांस पे वाइब भी कर रहे गाने पे गाने पे एकदम वाइब कर रहे हैं डांस को देखकर मज़े भी ले रहे और एजुकेशन भी ले रहे मैंने बस अपना कॉन्टेंट उस वे में बनाना शुरू कर दिया एंड देट्स आव एग्र्यू सो हॉलेसली अगर मैं बोलूँ तो यार तीन चार छोटे मोटे टिक मार्क्स हो गए जो कि सारे क्रिएटर्स को पता है आप यूट्यूब पर आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा राइट बट इफ यू आर अ क्रिएटर हु वो जेनुअली वॉन्ट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम द ओनली टिक मार्क दैट आई वुड प्रेफर फॉर यू इज कि आपके ऑडियंस को आपका कांटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं hmm. और वो पता चलेंगे व्यूज से वो पता चलेगा आपको वो आपको बेस एंगेजमेंट के थ्रू पता चल जाएगा आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं बट आपकी एंगेजमेंट अच्छी आ रही हो सकता हो सकती है hmm. कभी कभी क्या होता है ना कि पॉइंट ही ऐसा होता है जहां पे आपको वायलिटी नहीं मिलती मतलब वो पॉइंट ही ऐसा है जहाँ पे आप ग्रो नहीं हो रहे हो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट यू आर यू आर पोस्टिंग द बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट कैमरे से आप शूट कर रहे हो बेस्ट डिवाइस है आपके पास बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर है आपके पास बेस्ट हुक्स है आपके पास ठीक है यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट बट स्टिल यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो इन दैट केस आपको बस रिस्पॉस देखने के बाद रिस्पॉन्स कैसे कर रही है जो करंट ऑडियंस वो रिस्पांस कैसे कर रही है अगर वो अच्छे से रिस्पॉस कर रही है देन यू आर गुड टू गो मेरा एक स्टूडेंट था उसने डाला वीडियो उसको अच्छे व्यूज़ आ रहे थे बट सडनली ना उसने कुछ थोड़ा पॉलिटिकल करके एक वीडियो बनाया थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ओपिनियन दिया स्ट्रॉन्ग उसके बाद से उसके व्यूज़ ही घर गिर गए जो उसको मतलब नॉर्मली हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार व्यूज़ आते थे पाँच हज़ार भी जाते थे कुछ दस हज़ार भी गए थे सडनली उसके दस बीस तीस व्यूज़ आ रहे थे तो ये इससे रिलेटेड में मतलब शेडो बैन जैसे कोई चीज़ होती है मतलब करता है ये क्या होता है ये क्यों हुआ ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एन एक्चुअल दिस थिंग कि हाँ ऐसा हो, ऐसा होता है सेकेंड ऑफ ऑल इस टर्म को जो शेडो बैन दिया है शेडो बैन डिज एन एक्सेस एक्चुअली शेडो बैन इज़ क्रिएटेड बाय क्रिएटर्स सो कॉल क्रिएटर्स जो जो कोचेस थे पहले के जब मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी में अपने ट्रेनिंग पीरियड में था एक कोच के अंडर तो वहाँ पर मेरे कोच ने मेरे को साफ साफ बोल दिया था कि ब्रो दर इज़ नो सच थिंग ए शेडो बैन ठीक है ये जो सो कॉल कोचेस होते हैं इनको बस अपना एक रीज़न देना होता है क्लाइंट को कि तुम्हारे पेज ग्रो क्यों नहीं हो रहा है okay. वो सो कॉल रीज़न था शाडो बैन मोस्ट ऑफ द केसेस में अकाउंट शाडो बैन होते भी नहीं है okay. आपने जो सिचुएशन बोली वो सिचुएशन पहले मैं बता दूँ कि अगर आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है वो काफ़ी नॉर्मल है इंस्टाग्राम पे कुछ फेसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे आप सब कुछ राइट करोगे फिर भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर स्ट्रैटेजी आप अपने आ, गोल्स के साथ अलाइन रहो आप कंटेंट बनाते जाओ दो तीन महीने बाद अपना ग्रो होगा बट ये सडनली दम गिर जाता है हाँ वो अगर कोई सिचुएशन ऐसे होती है मतलब इसी जहाँ पे आप जो बोल रहे हो ना ये चीज़ अगर लेट्स अगर समझो समझो मैं जो आप जो भी कंडीशन बोल रहे हो वो कंडीशन शाडो बैन ही है लेट्स अज्यूम कि वो शेडो बैन है शेडो बैन है अगर वो तो डेफिनेट डिफरेंट केस है बट मैं बोल रहा हूँ कि 80 परसेंट ऑफ द केसेस में बैन होता ही नहीं है अकाउंट शेडो बैन नहीं होते तो लेट्स से अगर कोई वीडियो ये देख रहा है और वो सोच रहा है कि उसका अकाउंट शेडो बैन उसको ये स्टेप्स करने चाहिए तो वैसा केस नहीं है आपका अकाउंट शेडो बैन नहीं है पहली बात तो बहुत रेयर केसेस में होगा हाँ अब होगा तो उसके मैं चार स्टेप्स देता हूँ अगर लेट्स अगर आपका अकाउंट शेडो बैन है सो कल टर्म ठीक है हाँ इन दैट केस फर्स्टली यू नीड टू होता क्यों पहले उस पर बात करते कि यार अकाउंट शेडो बैन होता है जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल ये किया एक यू नो कॉन्टेंट बनाया उस पर तो इंस्टा इंस्टा ना इंस्टा इज़ अ वेरी सिक्योर प्लेटफॉम जहाँ पे दे, दे प्रेफर कि यार हेट स्पीचेस बिल्कुल ना टू थाउजेंड ट्वेल्व की अगर मैं बात करूँ तो जब इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था ठीक है उस टाइम पे ना प्रॉब्लम आई थी एक कि इंस्टाग्राम पे ना वर्गर कॉन्टेंट या फिर एक बिल्ली को जला के फेंक दिया था काफ़ी टेररिस्ट ने काफ़ी कॉन्टेंट डाला था तो बीच में एक फ़ेज़ आया था कुछ महीनों के लिए जहाँ पे इंस्टाग्राम वॉज कंसिडर कि ये सबसे बुरा प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन फेसबुक का भी ऐसे ही हुआ था वहाँ से इंस्टाग्राम ने ये शुरू किया कि अगर अभी कुछ भी होता है दे आर वेरी वेरी सीरियस राइट नाउ कोई भी पॉलिटिकल कोई भी सेक्शुल अकाउंटेंट न्यूडिडिटी या एनीथिंग दैट गोस अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस तो आपका अकाउंट जो है कुछ टाइम के लिए आप आ, रीच गिरा देंगे वो लोग जानबूझ के वो लोग आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे बट वो निकल जाता हट जाता हाँ वो निक, वो वो हटता है उसको हटाने के तरीके होते हैं जैसे कि ठीक है तो मैं इसमें ना केस स्टडी देता हूँ देर वॉज दिस गाय सेड सेड मेरा एक फ्रेंड भी अच्छा एंड क्रिएटर भी है सेड के अकाउंट पर आया मोनिटाइजेशन जो था वो एलिजिबल नहीं है एंड देन उसका एक पोस्ट रिमूव हो गया ड्यू टू सटन कॉन्टेंट ठीक है रिमूव हो गया अब उसकी रीच ना गिरने लग गई बहुत ज़्यादा ही गिरने लग गई ही कॉल्ड मी आई टोल्ड ब्रो उसको मैंने वो चार स्टेप्स दिए जो मैं मैं जो भी दूंगा अभी तो द वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज स्टार्ट कोलाबरेटिंग विद अदर पीपल द रीजन आई विल टेल यू दिस इज बिकॉज सी ए आई क्या होता है ए आई ए आई इज़ लाइक कि मेरे को ना सेफ़ रहना है मेरे जो भी ऑडियंस uh, है उनको सेफ रखना है उनको कोई भी वलगर कॉन्टेंट नहीं दिखाना ताकि इंस्टा का नाम खराब ना हो इन दैट केस दे विल ऑलवेज प्रेफर की ऐसे ऑडियंस हो जो कि ऐसे क्रिएटर्स हो जो कि अच्छा कॉन्टेंट बना रहे ना वेन यू स्टार्ट कोलाबरेटिंग ना अगर आपके साथ कोई और क्रिएटर कोलाब कर रहा है जो कि अच्छा कॉन्टेंट बना रहा है ठीक है इन थिंग्स यार ये लोग कोलाब्रेशन करें मतलब कुछ तो अच्छी बात होगी ठीक है यार ये बंद ट्रस्टवर्दी होगा तो ठीक ठाक ठीक ठाक देन सेकंड चीज वट कैन डू इज अपनी हल्की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो आप जब आप जो रील कॉन्टेंट डाल रहे हो और उसके साथ एक नॉन रील कॉन्टेंट डालना भी शुरू कर दो द रीजन आईम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज नॉन रील कॉन्टेंट डालना इज़ वेरी वेरी ईजी तो अगर लेट्स से आपकी लास्ट वीक रीच थी एटी थाउजेंड रियल कॉन्टेंट डाल रहे हो आप आपने नॉन रील कॉन्टेंट शुरू किया आपने दस बीस हज़ार रेच बढ़ाई उससे एक लाख की रीच हुई ए आई को कहीं 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 ना कहीं कही पर लगी कई यार इसकी रीच अचानक से बीस हज़ार कैसे बढ़ गई दे विल थिंक यार कॉन्टेंट अच्छा होगा शायद अच्छा हो सकता है कॉन्टेंट लेट्स ट्राई एक आधरे बूस्ट करके देखते हैं तो वहाँ से आप क्या होता निकल जाओ थर्ड थिंग what यू कैन डू इज़ आप ना सबसे सिंपल ऑडियंस के लिए कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दो जो सब कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपका नीचे ऐसा है कि यू you नो know, आप बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कॉन्टेंट बना रहे हो ऐसा होता है बहुत बार कि आप बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कॉन्टेंट बना रहे हो सो इन दैट केस कैसा होता है कि बहुत कम लोग आपके ऑडियंस कॉन्टेंट कंज्यूम कर पा रहे तो कॉन्टेंट ही ऐसा बनाओ जो ज़्यादा लोग कंज्यूम कर पाए समझ पाएँ तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी और दिस इज़ अ हैक डेफिनेटली यू डोंट हैव टू फॉलो इट फॉर लाइफ टाइम बट शेडो मैच अगर आपको निकला है तो आप ये कर सकते हो तो बेसिकली आपको इंस्टा को प्रूव करना है कि यार यू आर अ जेन पर्सन राइट कोलेब्रेशन आपने बोला हुँ. उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है ये yes. और फिर नीच हटा के कर सकते हैं बेसिकली यू यू शुड क्रिएट कंटेंट जो कि सब लोग इजीली कंज्यूम कर सके क्रिएट मोर शेयरेबल कंटेंट इफ मेनी पीपल आर शेयरिंग और कॉन्टेंट दैट मींस हाँ कुछ तो बंदे में दम होगा इसलिए शेयर कर रहे हैं सो स्टार्ट क्रिएटिंग शेयरेबल एंड रिलेटेबल कॉन्टेंट बेसिकली आपको इंस्टाग्राम कैसे भी करके बस इतना ट्रिगर करना है कि आपका कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो सबको चाहिए लोग आपके कंटेंट को प्यार करते एकदम शेयर करते कोलैबोरेट करते ये बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है basically... बेसिकली कुछ तो रीज़न होगा जिसके जैसे वो वीडियोस के व्यूज़ कम कर रहा है हमें उन लोग उसको बताना कि नहीं वो भी तो जो रीज़न जो, जो एक पॉइंट लग रहा है वो पॉइंट नहीं है और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके जैसे से ऑफिस से मेरे व्यूज़ बढ़ने चाहिए एक्जैक्ट exactly. है ना <laughs> हम इनडायरेक्टली हम उससे लड़ रहे हैं बेसिकली बेसिकलीस yes. कि नहीं बेटा वीडियो बढ़े मेरा व्यूज़ बढ़ा तो so, आपको बेसिकली यह को ट्रेन करना पड़ेगा हाँ ओके वेरी नाइस अच्छा किसी का पेज अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट था उसका पेज है ना ब्लॉक हो गया इंस्टाग्राम पर कभी बार पेज चले जाते हैं लोगों को बहुत सदमा जाता है ये बहुत बड़ा इशू लगता है वो पेज कई बार रिकवर हो सकता है अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है जैसे कि एक पता तो मेरा एक स्टूडेंट है वो शूज़ से रिलेटेड कंटेंट बना के डालता था अलग अलग शॉप में जाता था और शूज़ बनाता था तो उसको ना पेज उसका किसी ने तो उसको वो कर दिया फेक रिपोर्ट्स होते हैं ना हाँ और उसको उसने वो मैसेज भी भेजा हंसते हुए क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया था जिसके से उसका चैनल पेज डाउन हो गया तो वो पेज रिकवर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्या so प्रोसेस है कुछ पता यहाँ पर ना एक तो लक मैटर करते हैं ठीक है अब यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके पास अगर प्रूफ है कि ये फेक है वो प्रीफ प्रूफ को कलेक्ट कर सकता है हुँ. और भेज सकता है इंस्टाग्राम पे ऑफिशियली मेल पर ओके हेल्प सेंटर में जाओ हेल्प सेंटर में जाओ हेल्प के लिए हाँ, ये पूछना था हाँ, आप पहले इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर में जाओ और हुँ. वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डाल दो कि माय अकाउंट इज डिसेबल्ड एंड आई वांट टू रीनेबलट या फिर आप अपनी प्रॉब्लम डाल दो या फिर अकाउंट जब आपका ब्लॉक होता है वहाँ पर एक ऑप्शन आता है विद डिसीजन वो विद डिसीजन पर क्लिक करो और अपने सारे प्रूफ सबमिट करना स्टार्ट कर दो इफ लक अच्छा हुआ तो आपको इंस्टा से मेल रिस्पॉन्स आएगा एंड बहुत अकाउंट्स रिकवर हुए बट सच को तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार इतने सारे चल रहे हैं बॉट अकाउंट्स इतने चार इतने इतना सारे प्रॉब्लम्स हो रही है कि इनका कुछ कुछ अकाउंट छोड़ देता है तो इन दैट केस शायद आप अपना अकाउंट वापस नहीं ले पाओगे मेटा वेरीफिकेशन अ बेस्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको मैनुअल सपोर्ट मिल जाता है आप गेट सपोर्ट पर क्लिक करो और वहाँ से आप भेज सकते हो कॉन्टेंट इसीलिए ये ब्लूटिक का ही एक अच्छी चीज़ हुई है अच्छा मेरा एक इशू हुआ मैं मेरा तो मेरा रियल नाम जीशान नहीं है नाम कुछ और है लेकिन आपको पता है इंस्टाग्राम पे वो आईडी मांगते हैं वो लोग यस यस तो येस। उसको मतलब क्या समझा मैं क्या बोल रहा हूँ अलग नाम से है बट मेरा नाम जैसे अलग नाम से है तो उससे कुछ इश्यू होता है यस यस होता है so, तो क्या करने का हाँ? यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने नेम में जिशान शेख डाल शेक डाल दो हाँ। मेरा नाम तो जीतू आई जी कोच ये जो तीनों टर्म ये तीनों लेटर है ही नहीं मेरे आईडी कार्ड में मेरे आईडी कार्ड में जितेंद्र चौधरी तो मैंने वो जितेंद्र चौधरी अपने नेम सेक्शन में डाल दिया किधर पे नेम सेक्शन में नेम सेक्शन में एक होता है आपका यूजर नेम सेक्शन एक होता है आपका नेम सेक्शन इंस्टाग्राम में हाँ

सही ऑब्वियसली बात है जब मेटा लॉन्च करता है कुछ फीचर्स ना स्टार्टिंग के फेज में ग्रेचेस ही है हाँ। या फिर स्टार्टिंग फेज में लोग हंड्रेड परसेंट सही काम नहीं करते मेरा अकाउंट तीन मिनट में वेरीफाई हुआ था तीन मिनट में तीन मिनट में अच्छा मैंने टेन फोर्टी नाइन को वेरीफिकेशन लिया मैंने सबमिट किया टेन फिफ्टी टू को मेरा वेरीफाई हो गया सो so, थोड़ा अग भी मैटर करता है अब जीतू आई जी कोच है भले पूरा नाम अलग बट फिर भी फिर भी वेरीफाई हो गया यहाँ पे ना अभी मेटा की पोल खोलता हूँ सो मेटा बोलता है उनके हेल्प सेंटर में जाकर पढ़ना उन्होंने बोला है कि आप एक अगर आप एक ओनर हो आपके दो अकाउंट है वो दोनों अकाउंट वेरीफाई नहीं हो मेरी एक फ्रेंड है उर्वी डिज़ाइंस नाम है उसके पेज का ठीक है आप जाके सर्च करो उर्वी ने बायो में ही डाला हुआ है उसके दूसरे पेज का नाम दूसरे पेज का एट दोनों अकाउंट वेरीफाइड है शी इज़ द ओनली ओनर किस्मत 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 और अगर एग्जैक्टली सो यहाँ पे छूट जाता है वो लोग सभी कुछ चीज़ हाँ आप अप, अपने नेम सेक्शन में अपना पूरा नाम डाल दो अगर आपका यूजर नेम अलग है तो एंड यू कैन ट्राई अगर नहीं होता है तो आप सिक्स डेज बाद एक आपको नोटिस आएगा फर्स्ट डे कि आपको फोर्टी एट आवर्स का आपको ब्लॉक कर देंगे हुँ. अब वापस ट्राई करो नहीं हो रहा फिर आपको सिक्सट डेज का नोटिस पीरियड देंगे सिक्स डेज बाद वापस ट्राई कर लेना ये इसका वेरीफाई करते हैं अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपकी रीच तो आप खराब होने वाली नहीं आप ट्राई करते रहो ये सही बात है एक्जैक्टली वेरी नैस भाई और कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहो व्यूजर को इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए पैसे कमाने के लिए तो देट विल गुड सो यार इफ़ यू वॉन्ट टू गो वालन ऑन इंस्टाग्राम ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे से देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन वर्ड्स यूज़ किए पैटर्न सीरीज एंड फॉर्मैट इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दूँ ठीक है आप ट्वेंटी अकाउंट्स ढूंढो अपनी इंडस्ट्री में आज के आज और उन सबके उन सबका एक पैटर्न होगा उन सबका एक फॉर्मैट होगा ट्वेंटी सक्सेसफुल अकाउंट्स ठीक है ऐसे नहीं कि आपको ट्वेंटी बस फाइनेंस अकाउंट ढूंढने ट्वेंटी सक्सेसफुल अकाउंट जो, जो कि एकदम दमदार चल रहे हैं नाइम टेलिंग यू ट्वेंटी सक्सेसफुल अकाउंट ढूंढना इज अ वेरी टफ टास्क आप मेरे को अभी बोलो कि मेरे, मेरे को मतलब मैं अपनी नीच में इंस्टाग्राम कोचेस जो कि एकदम अच्छे से ग्रो करे ट्वेंटी इम्पॉसिबल फॉर मी देखो दो तीन दिन लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टास्क है तो इस टास्क को अगर मैं कंप्लीट कर लगेगा अपने ट्वेंटी लोग ढूंढ लिए फिर उन्होंने उनमें ना पैटर्न करना शुरू कर दूँ ढूंढने के लिए भी कुछ स्टेप्स देता हूँ एक तो हो सकता है आप हाइश से जाऊँ एक होता आप सर्च इंजन से जाओ एक होता सजेस्टिव बेस्ट प्रोफाइल प्रोफाइल पे क्लिक करो उस नीच में कोई बंदा है और उसके स, उसके सजेशन पे क्लिक करो वहाँ से तो ऐसे तीन चार तरीके से जहाँ से आप जा सकते हो और ऐसे प्रोफाइल्स कलेक्ट करके ट्वेंटी प्रोफाइल्स ढूंढ लो और उन सबके पैटर्न पैटर्न निकालना शुरू कर दो एंड फिगर आउट कि आप खुद का पैटर्न कौन सा बना सकते हो अगर आपके क्रिकेटर ने कोई सीरीज़ बनाई है उसमें वर्डिंग्स चेंज कर दो और ख़ुद की एक सीरीज बना दो अगर उन्होंने एक करेक्टर बनाए वो कैरेक्टर में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो और आप अपन खुद का एक फॉर्मेट बना दो सो बेसिकली

Uh, जब मैं फिफ्टीन का था जब मैंने जब मैंने अपनी पहली बार फोन हाथ में आया था मेरे घर में स्मार्टफोन आया था हाँ. तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और यू आर वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स जिसका मैंने कंटेंट देखना शुरू किया था अच्छा एंड मेरा ये गोल था कि मैं ना सी की तरह बुक्स लूंगा फिजिकल बुक्स तब हाँ. मेरे पास पैसे नहीं थे एक्चुअली हाँ. फिजिकल बुक्स लूंगा उनको उनको एयरपोर्ट पर पढ़ूंगा अच्छा। वो गूगल आज पूरा होने वाला है मैं अभी पॉडकास्ट करके दिल्ली जाऊँगा तो एयरपोर्ट पर मैं दो बुक लेके आया था पावर ऑफ नाउ

मिलते हैं कुछ भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम से रिलेटेड है जो दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर डालना जीतू भाई मैं खुद भी ट्राई करेंगे नहीं तो मैं ऑफिस से एक बार ऑफिस से इनको बुला लूँगा अपने पॉडकास्ट पे ऑफिस से कर लेंगे ठीक है टेल्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस आप काफी अच्छा कर रहे हो करते thank रहो so much, मिलते हैं ऑफिस से थैंक यू सो मच